एफ इज फ्रॉम ए टू बी एंड लुक एट दिस जी, जी को मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, बी टू सी। तो द थिंग इज ये और ये क्या है, सेम है ना। तो अब देखो कोई सा एक मैपिंग ले लेते हैं, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव अ मैपिंग। तो मान लो ये एफ है ए टू बी, एंड लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज ए बी सी डी, एंड कंसिडर अनदर फंक्शन जी विच इज फ्रॉम बी टू सी, सॉरी बी टू सी। तो बी है तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी सी डी, और लेट्स से ये हो जाएगा पी क्यू आर एस। तो अब ऐसे सोचो, मान लो कोई सी भी एक मैपिंग थी, तो 1 वॉज ए, 2 वॉज ऑल्सो ए, 3 वॉज सी एंड 4 वॉज डी। और इसका भी कोई सा भी मैपिंग ले लो, ए इज पी, बी इज क्यू, सी एंड डी बोथ आर आर, ऐसे करके, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, इट्स फेयरली इजी। देखो कॉम्पोजिशन मतलब बेसिकली अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, अगर वर्ड कंपोजिशन आ रहा है दैट मींस फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसका एक और नोटेशन होता है बच्चों जी सर्कल एफ एक्स, चलेगा, नोटेशन है बस। तो इफ समबडी इज राइटिंग जी सर्कल एफ एक्स, मतलब बेसिकली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ही मांग रहा है, ठीक है। तब तुम पहले ऐसे सोचो, एकदम लॉजिकली सोच के देखो, उसके बाद अपन इसका कंप्लीट मैपिंग भी कर लेते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आपको क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स अगर है तो पहले इन दोनों को एक साथ बना दो, इन दोनों को एक साथ बना दो, मतलब ये करना है बच्चों, साइमल्टेनियसली बनाओगे तो टेक्निकली ऐसे तीन सेट बन जाएंगे, ए बी सी, 1 2 3 4, देन यू हैव ए बी सी डी, देन यू हैव पी क्यू आर एस, कंटिन्यू विद द सेम मैपिंग। तो वन था ए और ए था पी, ओके ऐसा हो जाएगा, टू था ए था पी, थ्री था सी, सी वॉज आर, एंड फोर वॉज डी, डी वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ आर। अब क्या करोगे, दिस इज एफ एंड दिस इज जी, तो अब जो बीच वाला है ना बच्चों उसको हटा दो, तो बीच वाले को हटाओगे तो क्या बन रहा है, 1 2 3 4 एंड यू आर राइट अवे पी क्यू आर एस, एंड इस वाले मैपिंग को बोलोगे जी सर्कल है, कीपिंग एवरीथिंग, वो सारे के सारे जो एरोस थे वो सेम रखो। तो जैसे 1 वॉज कनेक्टेड टू ए वॉज कनेक्टेड टू पी, तो बेसिकली 1 इज कनेक्टेड टू पी, 2 is connected to A, A is connected to P, so 2 is connected to P, 3 becomes R पे, and 4 becomes R पे, है ना? So this mapping is called G of Fx, ये जो मैंने right side में बनाया ना, this thing is G of Fx, ये वाला, okay? तो बड़ा simple सा है, but ये जो भी हुआ, ये क्यों हुआ? Why exactly did it happen? Just like मैंने mention किया, तो देखा actually हुआ क्या है? पीछे background में तो ये हो रहा होगा, but we don't really care. G of fx फंक्शन निकालना है ना, G of fx फंक्शन निकालना है। तो एक काम करो, x को क्या पुट करोगे, 1, तो ये क्या मिल जाएगा, अगर x को 1 पुट करोगे तो G of f of 1, मतलब 1 का इमेज क्या आने वाला है। तो पहले मैंने x को 1 डाला तो G of f of 1, what was originally f of 1, f of 1 was a, तो ये G of a बन रहा है बच्चों, and what was originally G of a, p। तो बेसिकली जी एफ एक्स जो भी मैपिंग है, व्हाटएवर मैपिंग जी एफ एक्स इज, उसमें एक्स को 1 डालने पे मुझे आउटपुट पी मिलता है। तो इट्स लाइक 1 पे 1 का इमेज पी हो गया, है ना। अगर मैं एक्स को डालता हूँ 2, देन इसका इमेज क्या बनेगा, जी ऑफ एफ ऑफ 2, तो डू यू अंडरस्टैंड, एफ ऑफ 2 इज ऑल्सो ए, तो ये भी पी, तो 2 का मैपिंग पी। तो ऐसे लिखने से बेटर क्या, डायरेक्टली आप ऐसे मैपिंग कर सकते हो ना, इज दिस अंडरस्टूड, बोलो ये समझ आया। यस सर। अब बहुत अच्छे से समझना मेरी बात, एक बात बताओ, मतलब ये आई एम होपिंग कि तुम लोग अभी कॉपी करने का कुछ ऐसा है नहीं, बाद में पीडीएफ से आराम से कॉपी कर लेना, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, अगर कुछ किसी चीज का कुछ रेफरेंस लेना हो तो, बट अभी तक तो बहुत इजी है, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ओके अब मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ, ये जो मैंने लिया है, ठीक है, मैंने फिलहाल अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने कंपोजिशन बनाया, जी सर्कल है ना, जी बाहर है और एफ अंदर है, तो मैंने फिलहाल क्या अज्यूम करा है कि ये वाला जी का जो कोडोमेन है, सॉरी एफ का जो कोडोमेन है और जी का जो डोमेन है, दे आर सेम,
दैट इज वॉट आई हैव अज्यूम्ड राइट नाउ. बट क्या ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है कि जो एफ का कोडोमेन हो और जी का डोमेन हो वो एकदम आइडेंटिकल हो, ऐसा जरूरी है क्या? चलो मैं थोड़ा सा यहीं पे दिखाता हूं. मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैं रख रहा हूं ई, मुझे बताओ कंपोजिशन में डज इट मेक एनी डिफरेंस? बच्चों कंपोजिशन में डज इट मेक एनी डिफरेंस? तो सेम ही होगा, एंड रिजल्ट तो सेम होगा ना, इसका कंपोजिशन सेम आने वाला है, क्योंकि वन इज ए इज पी, टू इज ए इज पी, थ्री इज सी एंड सी इज आर, एंड फोर इज डी, डी इज आर. तो यही का यही मैपिंग बन जाएगा वापस से जो यहाँ पे आया था. तो तुम्हें ये समझ आ रहा है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एफ का जो कोडोमेन है और जी का डोमेन है वो एकदम आइडेंटिकल हो. जरूरी तुम्हें समझ आ रहा है क्या होगा? तुम कुछ सोच के बताओ. अगर मान लो ये होता, आप बताओ सोच के, यहां पे हो जाता इफ दिस वॉज एम तो कंपोजिशन एग्जिस्ट करता? थ्री जा रहा है एम पे, बट तुम्हें समझ आ रहा है जी में तो एम है ही नहीं, मतलब थ्री एम पे और एम कहां पर है, यहां पे तो एम है ही नहीं, तो पोपट हो जाता ना कंपोजिशन में, फाइट हो जाती ना कि थ्री का तो कोई इमेज ही नहीं बन रहा सर जी सर्कल एफ में. तो एक्चुअली प्री रिक्विजिट पता है क्या है, मतलब द एक्चुअल कंडीशन इज, मैंने स्टार्टिंग में तो दोनों को आइडेंटिकल लिया, बट द एक्चुअल कंडीशन इज For g of fx to exist, for g of fx to exist, the actual condition is, ध्यान से देखो, range of fx must be a subset of domain of g. Range, है ना? Range of fx must be a subset of domain of g. ये जरूरी है. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे range क्या था? A, C, D. और जी का कोडो, जी का डोमेन क्या था? ए बी सी डी. तो ए सी डी इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी डी, यस, देन चल जाएगा, देन चल जाएगा. वैसे मान लो यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दूं एफ, देन ऑल्सो कंपोजिशन विल एग्जिस्ट. क्यों? क्योंकि टेक्निकली अभी भी रेंज है ए सी डी और उसका डोमेन है ए बी सी डी. बट अगर रेंज में एफ भी आ जाता तो हम कंपोजिशन नहीं बना पाते, क्योंकि फोर उसका इमेज नहीं आ पाता. बात समझ रहे हो? तो द आइडिया इज As long as F के रेंज एलिमेंट G के डोमेन में हो. सिंपल सी बात है ना. F का आउटपुट जो है यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जो F का आउटपुट है वो G का इनपुट है. तो F का आउटपुट मतलब उसका रेंज, वो G के इनपुट में है. तो रेंज अगर इनपुट में ही नहीं हुआ, मतलब G के डोमेन में ही नहीं हुआ, तो G of fx एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना? बड़ी सिंपल सी बात है. और ध्यान से देखो, अगर ये ट्रू है, मतलब जो मैंने ऊपर लिखा है, If this true, मतलब अगर कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है, तो अब ध्यान से देखना, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज सेम एज डोमेन ऑफ अंदर वाला. तो मुझे बताओ यहां पे आफ्टर द कंपोजिशन, ये जी सर्कल एफ था, व्हाट वाज द डोमेन ऑफ जी सर्कल एफ? ए, which was actually domain of F, है ना? So I hope इतना point समझाओ सबको. तो this is called basic, एकदम basic idea of composition. तो देखो इसी पे और build करता जाता हूँ. Basically हो क्या रहा है, देखो kind of यही हो रहा है कि मान लो F of X दिया हुआ है बच्चों sin X, तो it is exactly same as what it sounds. Composition मतलब G of F X का मतलब literally क्या हुआ, देखो ये एफ और जी है, तो जी ऑफ एफ एक्स का बेसिकली मीनिंग क्या है, जी के अंदर एक्स की जगह क्या रख दो, एफ ऑफ एक्स, है ना? तो ये जी ऑफ एफ एक्स बन जाएगा बच्चों. एफ में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह जी एक्स रख दो. तो एफ में एफ ऑफ ये बन जाएगा साइन ऑफ जी एक्स. तो बेसिकली क्या बन रहा है, अरे साइन ऑफ जी ऑफ एक्स बेसिकली बन जाएगा साइन रूट एक्स. बात समझे? करना यही है, एक्स की जगह जी एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स रखोगे तो तुम्हारा कंपोजिशन बन जाएगा. बट थिंग्स आर नॉट एज इजी एज दे साउंड, मतलब जो मैंने लिखा है वो गलत नहीं है, बट ये जो किया है ना डायरेक्टली पुट करना, वी हैव टू बी केयरफुल विद दिस. ये जो हम कर रहे हैं इसके साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला तो सही आया है बट डोमेन रेंज माइट चेंज.
थोड़ा सा डोमेन रेंज को देख के करना पड़ेगा अपन को, ठीक है? तो मैं एक्सप्लेन करूं, इसमें से कुछ किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, और हैव यू फॉलोड दिस सो फार, किसी को भी, इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ डाउट फील फ्री टू आस्क, कि समझा यहां तक? चलो, नो डाउट, आई विल प्रोसीड। अब जैसे देखो, ये जो है कंपोजिशन निकालना तो है, बट इसमें क्या गलती हो सकती है? व्हाट डू यू मीन बाय कि ये केयरफुल विद दिस डोमेन रेंज माइट चेंज? तो देखो, जी ऑफ एफ एक्स लिटरली है ये, बट इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छा सा एग्जाम्पल लेके। तो एक एग्जाम्पल है, मान लो एफ ऑफ एक्स इज रूट एक्स, है ना, और जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये दोनों एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है? और मैं आपसे पूछता हूँ, फाइंड एफ सर्कल जी का कंपोजिशन, जी सर्कल एफ एक्स कंपोजिशन एंड देयर डोमेन रेंज, ये भी निकाल के बताओ। तो अभी मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ कि डायरेक्ट डायरेक्ट करो, एंड इट माइट बी ओके इन फ्यू केसेस, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले से कि अवॉइड करो डायरेक्ट ऐसे करना। अवॉइड डायरेक्ट मतलब जैसे मैंने अभी इस एग्जाम्पल में जो किया था ऊपर, वो करना अवॉइड करो। जैसे आपकी बात कर रहा हूं मैं जी ऑफ एफ एक्स, तो आपको मैंने सिखाया कि लिटरली रिप्लेस एक्स बाय एफ एक्स, तो जी में एक्स की जगह एफ एक्स रखोगे तो तुम्हें समझ आ रहा है वो बन जाएगा एफ स्क्वायर एक्स माइनस वन, मतलब बेसिकली एक्स माइनस वन, फेयरली इजी। बट अब आपने जी ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला निकाल लिया, और फिर आपने देखा कि सर जी ऑफ एफ एक्स तो एक्स माइनस वन है, और फिर बोला उसका डोमेन रेंज, तो अगर ऐसे करोगे तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि आप देखोगे यार जी ऑफ एफ एक्स इज एक्स माइनस वन, तो आप डोमेन क्या बोल के आ जाओगे आर, और रेंज क्या बोल के आ जाओगे आर, क्योंकि वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन तो स्ट्रेट लाइन है, उसका डोमेन रेंज ये होता है ना। बट ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट डायरेक्ट करना थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेट मी एक्सप्लेन यू वाई। तो अपन पूरा टेक्निकली करते हैं, टेक्निकली मतलब ये यूज करते हुए, तो कंडीशन जो मैंने बॉक्स में लिखी थी ना, ये यूज करते हुए। तो ध्यान से देखो, अगर उसने बोला है जी ऑफ एफ एक्स, तो तुम कुछ सोच के बताओ, जी ऑफ एफ एक्स को अगर एग्जिस्ट करना है, अगर जी ऑफ एफ एक्स को एग्जिस्ट करना है तो व्हाट मस्ट बी ट्रू, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, है ना, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो अभी सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, हमें तो डोमेन रेंज भी नहीं पता, तो सबसे पहले डोमेन रेंज निकाल लेते हैं। चलो, तो एफ का डोमेन क्या आ जाएगा, एफ का डोमेन है सर रूट एक्स है तो जीरो टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या बन जाएगा, सर रूट एक्स है तो रेंज भी जीरो टू इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली डोमेन ऑफ जी क्या बन जाएगा, अरे यार जी का डोमेन तो क्या बन जाएगा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ऑलवेज डिफाइंड, एंड रेंज ऑफ जी क्या बन जाएगा, सिंस इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका लीस्ट वैल्यू हो जाएगा माइनस वन और मैक्स वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना। तो अब अपन आ जाते हैं किस पे, अपन को चेक करना था जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स को एग्जिस्ट करने के लिए तुम्हें समझ आ रहा है रेंज ऑफ एफ जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो रेंज ऑफ एफ कहाँ है बच्चों, ये रहा रेंज ऑफ एफ, क्या है ये, क्या ये जी के डोमेन का सबसेट है? यस, रेंज ऑफ एफ इज एक्चुअली सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अगर ये ट्रू है देन लिटरली जो करना है वो कर दो, मतलब देन लिटरली जी ऑफ एफ एक्स क्या करना है बच्चों, जी ऑफ एफ एक्स लिटरली एक्स की जगह एफ एक्स रख दो, तो बेसिकली जी ऑफ एफ एक्स ये समझा एक्स माइनस वन होगा। तो हमारा डायरेक्ट करके भी यही आया था, बट अब ध्यान से देखना, जी ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला तो सही आया है, बट अब मुझे एक बात बताओ, जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन वही होता है जो डोमेन ऑफ एफ, यस और नो? यस। तो डोमेन ऑफ एफ टेक्निकली क्या है, जीरो टू इंफिनिटी, तो इसका डोमेन इज सेम एज डोमेन ऑफ एफ, जीरो टू इंफिनिटी, और ये डोमेन और ये फॉर्मूला देखो तो इसका रेंज क्या जाएगा। तुम सोचो अगर x को 0 टू इन्फिनिटी अलाउ कर रहे हो तो इसका रेंज आ रहा है माइनस वन टू इन्फिनिटी, ये समझा? तो मुझे देख के बताओ, g ऑफ एफ एक्स इज x माइनस वन, डोमेन इज 0 टू इन्फिनिटी एंड रेंज इज माइनस वन टू इन्फिनिटी, बट हमने कितने बच्चों को दिख रहा है डायरेक्ट करके क्या करा था, हमने डोमेन और r, डोमेन और रेंज आर आर निकाल लिया था, विच इज रॉन्ग ना, तुमने गड़बड़ निकाला ना।
तो डायरेक्ट में थोड़ा सा पोपट हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करो। टेक्निकली करोगे तो आंसर सही आएगा, तुम्हारा डोमेन और रेंज गड़बड़ आ गया था। ओके अब देखो, इसमें किसी को कुछ पूछना है? इसमें किसी को कुछ पूछना है कि समझाइए? दिस ओके? चलो ऐसी बात पे अपन निकाल लेते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अभी अपन ने सीखा कि डायरेक्ट मत करो, पहले एक बार टेक्निकली चेक कर लो कि भैया वो कंडीशंस आर मेट और नॉट। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए क्या होना जरूरी है बच्चों? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए रेंज ऑफ जी शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। रेंज ऑफ जी शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ जी समझ आ रहा है कि सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि रेंज तो उसके सेट से बड़ा है। डोमेन ऑफ एफ इज 0 to infinity बट रेंज है -1 to infinity। यू वॉन्ट रेंज एट बेस्ट 0 to infinity, है ना? डोमेन से बड़ा है इसका जी का रेंज। तो एक्चुअली अभी ये ट्रू नहीं हो रहा है, ये वाला लेफ्ट वाला सेट बड़ा है डी ऑफ एफ से। तो अब अपन इसके लिए क्या करेंगे कि सर ये वाली कंडीशन मीट नहीं हुई तो क्या कंपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा? ध्यान से देखो, कंपोजिशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब रेंज सबसेट हो जाए उसके डोमेन का, अभी नहीं है ना। तो अब ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, मुझे रेंज ऑफ जी इसका सबसेट बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, एडिट, ध्यान से देखना, एडिट डोमेन ऑफ जी। किसका डोमेन एडिट कर रहा हूं? जी, सच दैट इट्स रेंज बिकम्स सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ दैट इज 0 to infinity। जब तक रेंज 0 to infinity नहीं होगा तब तक कंपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यार मैं रेंज को कैसे कट करूं, मतलब हाउ डू आई लिमिट माय रेंज? तो रेंज को मुझे अगर कम करना है तो मुझे टेक्निकली उसका डोमेन कम करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? मुझे थोड़ा सा डोमेन उसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि उसका रेंज थोड़ा 0 to infinity आ जाए। तो मेरी बात ध्यान से देखो, अभी मैंने जी ऑफ एक्स जो की है वो लिया x2 -1। अगर मैं इसका डोमेन ऑल रियल नंबर लेता हूं तो इसका रेंज -1 to infinity आएगा, है ना? तो डोमेन ऑल रियल नंबर हटाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा चाहिए कि जी एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जी एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको तो इनइक्वालिटी को सॉल्व ही कर लो यार, कौन सी एक्स की वैल्यूज के लिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आता है? कितने बच्चों को दिख रहा है कि अगर एक्स लॉन्ग एज लॉन्ग एज एक्स को मैं ये रखता हूं देन जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो न्यू डोमेन ऑफ जी क्या लेना पड़ेगा? -∞ to -1 union 1 to infinity। एंड न्यू डोमेन के कारण रेंज क्या आ जाएगा? 0 to infinity, है ना? तो अब तुम्हें समझ आ रहा है कि रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। बोलो, रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, है ना? तो अब कितने बच्चों को समझ रहा है? अगर जैसे ये ट्रू हुआ, अभी रेंज हमारा बन चुका है 0 to infinity, वो इसका सबसेट हो चुका है। अगर जैसे ही हुआ इसका मतलब है डायरेक्टली कंपोजिशन निकाल दो। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बेसिकली क्या बन जाएगा बच्चों? एक्स की जगह जी एक्स रख दो। तो एफ में एक्स की जगह जी एक्स रख दो तो क्या बन जाएगा? √x2 -1, है ना? और ध्यान रखना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा? वही जो डोमेन ऑफ जी होगा। तो डोमेन ऑफ जी क्या है अभी? बेसिकली ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा जगह कम है इसलिए, -∞ to -1 union 1 to infinity, जिसको आप आर माइनस दिस भी लिख सकते हो, वही बात है। और इस डोमेन में रेंज क्या आ जाएगी? रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? अगर एक्स 1 से बड़ा या -1 से छोटा है तो रेंज समझ आ रहा है 0 to infinity हो जाए। तो ये तुम्हारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला आया, ये उसका डोमेन आया, ये उसका रेंज आया। तो डायरेक्ट करोगे तो हो सकता है आपका सही आंसर आ जाए, बट अगर गलतियां हो रही है तो चेक नहीं कर पाओगे। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा हमेशा डोमेन और रेंज चेक करके ही करो। तो ये हो गया हाउ टू फाइंड कंपोजिशन एंड हाउ टू फाइंड कंपोजिशन का डोमेन एंड रेंज, दिस इज द वे, ठीक है? तो अगर इसका कॉपी करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो बता दो, इफ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीनशॉट जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज। बोलो, यू आर फॉलोइंग दिस?
और इफ यू हैव एनी डाउट देन वो भी बोल सकते हो कि सर ये पॉइंट नहीं समझा, वो पॉइंट नहीं समझा, एनीथिंग, फील फ्री टू आस्क। बोलो चलेगा? तो अगर रेंज ऑलरेडी डोमेन का सबसेट है तो सीधे कंपोजिशन निकाल लो, और डोमेन वही लेना जो अंदर वाले का डोमेन, और उसके बेसिस पर रेंज निकाल लो। और अगर डोमेन सबसेट नहीं है, सॉरी रेंज इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन, तो तुम्हें उस वाले फंक्शन का थोड़ा सा डोमेन एडिट करना पड़ेगा सो दैट रेंज सबसेट बन जाए, जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में किया। इज दिस ओके? यस। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एंड आई विल गिव दिस टू यू, तुम सोच के बताओ। ये वाला एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज लेट्स से ई रेज टू एक्स, और मैं ही दे रहा हूं इसका, लेट्स से दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन, है ना? और जी ऑफ एक्स क्या है बच्चों? जी ऑफ एक्स इज साइन इनवर्स एक्स। तो टेक्निकली करो, हो सकता है आप डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज रख दो तो आपका आंसर आ जाए, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, बट उससे गड़बड़ हो सकती है छोटी मोटी, तो अवॉइड दैट। आप इसको टेक्निकली सॉल्व करके बताओ कि अगर एफ और जी के मैंने ये फंक्शन दिए हुए हैं, और एफ का डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, और जी का डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, है ना? तो मुझे एक काम करो, एफ सर्कल जी एंड जी सर्कल एफ का फॉर्मूला एंड डोमेन रेंज विथ डोमेन एंड रेंज, ठीक है? ट्राई करो, सोच के देखो। इजी है बट गड़बड़ ना हो इसलिए एक बार अच्छे से सोच सोच के देख देख के करना, ठीक है? पहले एफ सर्कल जी निकालने की कोशिश करो, देखो क्या आ रहा है। डायरेक्ट मत करना। अच्छा एक सेकेंड, सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? बिफोर वी स्टार्ट विथ कंपोजिशन, अगर ऐसे फॉर्मूले दिए हुए तो हमें डोमेन ऑफ एफ क्या दिया हुआ है बच्चों? डोमेन तो दिया हुआ है आर प्लस, तो इसके बेसिस पर रेंज क्या आ जाएगा? डोमेन रेंज सबसे पहले निकालो। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो टू इंफिनिटी डाल रहा हूं तो रेंज सबको समझ आ रहा है, ये होगा। सिमिलरली डोमेन ऑफ जी, डोमेन तो गिवन है माइनस वन टू वन, और डोमेन देखते हुए रेंज निकालते हैं अपन, वो तो कोडोमेन होता है, कोडोमेन मे नॉट ऑलवेज बी द रेंज। तो अगर डोमेन माइनस वन टू वन है तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या आता है? माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। तो इस क्वेश्चन में रेंज इन कोडोमेन वर सेम फॉर जी, तो पहले ये निकाला। अब ट्राई करो एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना जरूरी है? सोचो एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना जरूरी है?
हाँ मतलब एफ सर्कल जी एग्जिस्ट करना है तो रेंज ऑफ जी है ना, अंदर वाले का रेंज बाहर वाले के डोमेन से छोटा होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो रेंज ऑफ जी चेक करो, रेंज ऑफ जी ये रहा, और डोमेन ऑफ एफ चेक करो, क्या ये इसका सबसेट है, क्या ये इसका सबसेट है, बोलो नहीं है ना। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि अगर ये सबसेट नहीं है तो कंपोजिशन डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेंज चाहिए जीरो टू समथिंग, क्योंकि उसका डोमेन है जीरो टू इंफिनिटी है ना। आर प्लस बोले तो बेसिकली जीरो टू इंफिनिटी, इसको मैं जीरो टू इंफिनिटी लिख देता हूं। तो अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको डोमेन दिया हुआ है जीरो टू इंफिनिटी, तो रेंज माइनस पाई बाय टू तक नहीं जा सकता। तो इसके लिए मैं जी का डोमेन, डोमेन ऑफ जी एडिट करता हूं, ठीक है। अब तुम कुछ सोचो, अगर मैं जी में, जी की बात कर रहा हूं, जी में एक्स को माइनस वन टू वन रखता हूं तो रेंज ही आएगा हमेशा, बट मुझे रेंज चाहिए जीरो टू समथिंग, जीरो टू पाई बाय टू चल जाएगा। तो तुम्हें समझ आ रहा है डोमेन ऑफ जी एडिट होके क्या बन जाएगा। सर अगर आपको एक्स जीरो टू वन रखोगे तो रेंज ऑफ जी अब क्या बन जाएगा, बोलो। अगर एक्स को भी आप पॉजिटिव रखोगे तो उसका रेंज भी क्या आएगा, जीरो टू पाई बाय टू, यस और नो, जल्दी बताओ। अब ये सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ हुआ कि नहीं बच्चों। तो अब अगर सबसेट हो गया तो अब क्या एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अब क्या बन जाएगा, लिटरली फॉर्मूले में रख दो तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एक्स की जगह जी एक्स रख दो एफ में, तो एक्स की जगह जी एक्स रख दो मतलब ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स बच्चों, है ना। ये हो गया, और इसका डोमेन क्या होगा, जो अंदर वाले का डोमेन होगा, तो अंदर वाले का डोमेन जीरो टू वन लिया है, और इसकी शक्ल देखते हुए रेंज क्या हो जाएगी, अगर एक्स जीरो से वन है तो ई रेस टू साइन इनवर्स, डू यू अंडरस्टैंड, ई रेस टू जीरो से ई रेस टू पाई बाय टू तक है, जल्दी बताओ, बोलो डाउट है कि समझा। If anyone has any kind of doubt, feel free to ask. I'm hoping कि आप समझ पा रहे हो ये। Second वाला try करके देखो, अगर ये समझाए तो G circle F वाला। Can you try G circle F? वेरी गुड, वेरी गुड। आपने ट्राई किया कि जी सर्कल एफ, तो इसके लिए रेंज ऑफ एफ शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, है ना। तो हमने चेक करा रेंज ऑफ एफ, वो तो वन टू इंफिनिटी है, और डोमेन ऑफ जी माइनस वन टू वन है। कितने बच्चों को समझा यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बात समझ रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, अगर मैं रेंज ऑफ एफ देखूं तो वो तो वन से बड़ा है, और डोमेन ऑफ जी देखूं तो माइनस वन टू वन, इसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अब एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो मैं कैसे उसको बना सकता हूं, पॉसिबल ही नहीं है ये। तो मैं डोमेन को कम करके रेंज को कम कर सकता हूं, बट मैं रेंज नहीं बढ़ा सकता, मैं इसकी रेंज बढ़ा थोड़ी सकता हूं, बात समझ पा रहे हो। तो एक्चुअली मैं तुम्हें समझ आ रहा है कि इस एग्जाम्पल में जी सर्कल एफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट जी सर्कल एफ कंपोजिशन, पॉसिबल ही नहीं है, समझेगा, बोलो। चलो बढ़िया, तो ये हो गए अपने दो बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। मैं इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस समझ देता हूँ, बट मेरे को वैसे एक बेसिकली एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इस पर अपन साथ में करते हैं, फिर अपन इस पर और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है कंपोजिशन ही है बट थोड़ा इरिटेटिंग वर्जन, मतलब अभी तक जो मैंने सिखा है इसमें बहुत सिंपल सिंपल से फंक्शंस दिए हुए थे और अपन ने कंपोजिशन करना सीख लिया था डायरेक्टली, बट व्हाट इफ फंक्शंस देमसेल्व्स आर लाइक बिगर फंक्शंस एंड मल्टीपल, जैसे ऐसा एग्जांपल ही ले लेता हूँ ना। तो ये एग्जाम्पल मेरे साथ ही करना, इतना बड़ा आपको नहीं पूछ सकते, इसका छोटा वर्जन पूछेंगे। तो हाउ डू वी फाइंड इवन द छोटा वर्जन, वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो ये मुझे लगता है मुझे क्लास में ऑफिशियली करवाना चाहिए, एंड बेयर विथ मी, क्योंकि ये थोड़ा सा इरिटेटिंग है, मतलब
एकदम पेशेंस लूज हो जाता है इसको करते करते, क्योंकि मैं एग्जांपल भी बड़ा वाला ले रहा हूँ, बट चलो ध्यान दो, आ तो जाएगा समझ में। ऐसा मान लो ये दिया हुआ है बच्चों, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, एफ के तो चार डेफिनेशन है ना, और लो यहाँ पे भी अपन कचरा करवा लेते हैं अपना, जी के भी मैं एक काम करता हूँ, दो डेफिनेशन लेता हूँ, ठीक है, आई विल टेक टू डेफिनेशंस ऑफ जी ऑल्सो। अब कंपोजिशन निकाल के बताओ, तो कितने बच्चों समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये वाला पार्ट तो थोड़ा पोपट होने वाला है, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला, बेसिकली एक्स की जगह एफ एक्स रखना है और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स रखना है, तो कितने सारे जी हैं, कितने सारे एफ हैं, कहाँ पे क्या रखना है, तो बहुत बोरिंग हो जाएगा ना, तो वो देखो कैसे करते हैं, हाउ टू टैकल दिस विद पेशेंस एंड कहाँ गड़बड़ी हो नहीं हो वो बहुत अच्छे से समझना है अपन को। तो क्वेश्चन इज फाइंड एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ ऑफ जी एक्स निकालना है बट इन टर्म्स ऑफ एक्स, ओके, एंड प्लॉट इट इफ यू वॉन्ट टू, मतलब ऐसा मैं ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन बट जरूरी नहीं है प्लॉटिंग, खाली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा। तो ध्यान से देखो, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट आई सेड अर्लियर, कि अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो बेसिकली होता तो यही है कि रिप्लेस एक्स बाय जी एक्स, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू रिप्लेस एक्स बाय जी एक्स, ये वाले को आप कैसे टैकल करोगे, ये वाला, समझ आ रही है मेरी बात, रिप्लेस एक्स बाय जी एक्स, तो यू नीड टू रिप्लेस एवरीवेयर बाय जी एक्स, तो जी एक्स यहां पे रिप्लेस कर रहा हूं, राइट साइड में भी जी एक्स रिप्लेस करना पड़ेगा, तो जो अभी तक हम कर रहे थे वही चीज अब देखो डिफरेंट फॉर्म में आ रही है, करना वही है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है बट अब इस बार थोड़ा अलग तरीके से करना है। तो देखो द मेन प्रॉब्लम इज इसमें अपना आंसर नहीं आया अभी, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज गिवन बाय दिस, यहां तक तो ठीक है बट हमें आंसर एक्सपेक्टेड था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, बट अभी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एक्स, और कंडीशंस भी किसके टर्म्स में, जी ऑफ एक्स, तो दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, दिस इज इनकम्प्लीट एंड दिस इज स्टिल पॉइंटलेस, ये कुछ भी नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, अगर अपन को इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है तो बहुत मेहनत लगेगी, यहां तक किसी को डाउट है, वो बहुत मेहनत का काम है, वो मेहनत देखो कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे गंदी चीज पता है क्या है इसमें, ये कंडीशंस, ये कि जी एक्स कब कब ऐसा है, जी एक्स कब कब ऐसा है, जी एक्स कब कब ऐसा है, तो जी एक्स को एक्स में कन्वर्ट करना, ध्यान से देखो बहुत अच्छे से समझना मेरी बातें, वो कैसे करेंगे, तो पहले मैं बनाता हूं अपना, नहीं यार ये गलत बना, सॉरी। तो ये क्या है अपना बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम, अपन को पता है क्या करना पड़ेगा, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली हमें जी एक्स का प्लॉट करना पड़ेगा, ग्राफ, जी एक्स का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ध्यान से देखो क्यों, उसने बोला है ये कंडीशन को रीड करो और समझो, उसने बोला है जी एक्स कब कब -1 से 1 है, ये बोल रहा है जी एक्स कब कब 1 से 3 के बीच में है, मतलब तुमसे बोल रहा है कि जी एक्स 1 और 3 के बीच में कब कब लाई कर रहे हैं, तो जी एक्स 1 और 3 के बीच में कब कब लाई कर रहा है, इसके लिए तो हमें जी का ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो सिंस जी फंक्शन इज नॉट सो बैड अपन जी का ग्राफ बनाते हैं, तो एक्स अगर हाफ से बड़ा है तो 2x-1, तुम्हें समझ आ रहा है बच्चों 2x-1 क्या हो जाएगा, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 2, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, ½, 0, और लेफ्ट साइड में क्या है, लेस देन हाफ में 1-2x, तो 1-2x बच्चों को समझ आ रहा है, ऐसा बन जाएगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, जी ऑफ एक्स का ग्राफ ये है, ठीक है, अब बहुत अच्छे से देखना, जी एक्स का ग्राफ तो बना दिया, अब अपन को ये वाली जो कंडीशंस हैं, पहला वाला पकड़ते हैं, फर्स्ट वाला जो केस है, तो अपना सबसे पहले क्या आ रहा है, स्टेप वन क्या था बच्चों, स्टेप वन वॉज सबसे पहले तो आप भैया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो जी एक्स को प्लॉट कर दो, प्लॉट जी एक्स, अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, अगर आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो पहले जी एक्स प्लॉट करो अंदर वाला, तो ये जी एक्स का ग्राफ बनाया था मैंने, ठीक है, अब ध्यान से देखो, नाउ
जीएक्स से ग्राफ की मदद कैसे करेंगे? सबसे पहला केस उसने बोला है कि जीएक्स कब कब माइनस इंफिनिटी से माइनस वन के बीच में है ना, यह है पहला केस। तो मुझे तुम खुद सोच के बताओ बच्चों, ये रहा जीएक्स का ग्राफ, तो जीएक्स माइनस वन से नीचे कब कब हो रहा है? जीएक्स माइनस वन से नीचे कब कब हो रहा है जल्दी बताओ, ग्राफ देख लो पिंक वाला। वेरी गुड, कितने बच्चों को दिख रहा है कि सर अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव गिवन, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव गिवन जीएक्स माइनस वन से नीचे तो कभी नहीं हो रहा, पॉसिबल ही नहीं है ये तो। तो कितने बच्चों को समझा देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये वाला डेफिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन ये वाला जो स्टेप कर रहे थे ना कि रेंज मस्ट बी सबसेट ऑफ कोडोमेन, वही स्टेप थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। तो एक्चुअली फंडा ये है कि कंपोजिशन में ये वाला डेफिनेशन अलाउड ही नहीं है क्योंकि जी का रेंज इसके डोमेन के अंदर ही नहीं, एक तरीके से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला केस पहले से डिस्कार्ड हो गया। चलो अब केस टू पे आते हैं। अब कितने बच्चों को समझ आ रहा है मेरे को जी का ग्राफ पता है ना, तो माइनस वन टू वन कब कब हो रहा है तुम्हें समझ आ रहा है? अब मैं बेसिकली ये कर लेता हूँ कि सर हमें दिख रहा है माइनस वन से जीरो भी अलाउड नहीं है, बोलो। तो मैं इसको एडिट करके जीरो टू वन से स्टार्ट करूं सीधे, जल्दी बताओ। देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग इट फ्रॉम माइनस वन टू वन क्योंकि माइनस वन टू जीरो भी अलाउड ही नहीं, बट जीरो टू वन हो सकता है ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर जी एक्स जीरो से वन के बीच में, मतलब मुझे बस ये चेक करना है, ये देखो y इक्वल्स टू वन की लाइन समझी क्या सबको, बस मुझे देखना है कि y इक्वल्स टू जीरो एंड y इक्वल्स टू लाइन y इक्वल्स टू वन के बीच में कब कब है। तो मैं समझ आ रहा है ये रहा तुम्हारा ग्राफ, बोलो किस कलर से बनाऊं? इसी कलर से बना देता हूं, ये रहा कि नहीं बताओ? दिस सर, यहां से यहां तक जीरो से वन के बीच में और यहां से यहां तक जीरो से वन के बीच में, बोलो बच्चों इज दिस ओके? ऐसा तो अब ऐसे सोचो कि मुझे सब कुछ x के टर्म्स में निकालना है। तो जी एक्स ये वाला पॉइंट क्या, देखो ये वन का बोरा है ग्राफ, तो इसमें ये वाली डेफिनेशन क्या थी जी एक्स की? हियर जी एक्स वॉज गिवन बाय टू एक्स माइनस वन, हियर जी एक्स वॉज गिवन बाय वन माइनस टू एक्स। तो इसमें x को सॉरी इसमें g को वन डालो, अपन को हाइट वन डालनी है। तो तुम्हें समझ आ रहा है ये वाला पॉइंट है जीरो कॉमा वन और ये वाला पॉइंट क्या, यहाँ पे हाइट को वन रखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट वन आ रहा है, वन कॉमा वन चलेगा। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि सर जी एक्स जीरो से वन दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक्स को आप जीरो से हाफ ले लो बच्चों, या तो एक्स को आप जीरो से हाफ ले लो, या फिर एक्स को आप हाफ से वन ले लो, जल्दी बताओ। या तो यहां से यहां तक होगा या फिर यहां से यहां तक होगा, है ना? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है बच्चों? ध्यान से देखना, अगर x जीरो से हाफ है तो जी एक्स का फॉर्मूला क्या गिवन है? जब जब x जीरो से हाफ है तो जी एक्स इज एक्चुअली गिवन बाय वन माइनस टू एक्स, और जब जब x हाफ से वन है जी एक्स इज गिवन बाय टू एक्स माइनस वन। यही सबसे डिफिकल्ट स्टेप है और इसी को अब अपन को दो और बार करना है। इस स्टेप में किसी को डाउट हो तो पूछो, इस स्टेप में किसी को डाउट हो तो पूछो कि ठीक है। चलो नेक्स्ट केस टैकल करते हैं। नेक्स्ट केस क्या है बच्चों? केस थ्री। अब हमको ये तो समझ आएगी कि जी एक्स माइनस वन और वन के बीच में कब कब है और उस टाइम पे जी एक्स के क्या क्या फॉर्मूले और एक्स का क्या क्या इंटरवल है। सेम करना है जी एक्स वन और थ्री के बीच में कब कब है। अगर मुझे निकालना है जी एक्स वन और थ्री के बीच में कब कब है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वाई इक्वल्स टू वन और वाई इक्वल्स टू थ्री की लाइन बनानी पड़ेगी कि नहीं बच्चों? बोलो वाई इक्वल्स टू वन और वाई इक्वल्स टू थ्री की लाइन बनानी पड़ेगी, ये समझा? तो अब ध्यान से देखो, एक्चुअली मैं कितने बच्चों को समझ रहा है, चेंज द कलर, रुको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये रहा और ये रहा, इन दोनों ग्रीन लाइंस के बीच में तुम्हें ग्राफ कितने बच्चों को दिख रहा है कि यार सर दो दो तरीके हो रहे हैं, एक तो यहां से यहां तक है ना, एक तो सर यहां से यहां तक हो रहा है या फिर यहां से यहां तक हो रहा है, टू पॉसिबिलिटीज चलेगा। तो मुझे बताओ पहला वाला क्या है, वाई को थ्री रखो हियर, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 3 है तो x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 2 ना, और इस वाले में y कोऑर्डिनेट को 3 रखो तो 1 माइनस टू एक्स को 3 रखोगे तो x क्या बन रहा है? माइनस वन, जल्दी बताओ। तो x का इंटरवल देखना सर, x अगर माइनस वन से 0 रखते हो तो ये वाली ब्रांच आ रही है, दिख रही है? x अगर माइनस वन से 0 दिखते हो तो तुम्हारा y कोऑर्डिनेट 0 से सॉरी 1 से 3 जा रहा है। तो पहला केस है कि सर आइदर x इज फ्रॉम माइनस वन टू 0 या फिर दूसरा वाला क्या बन रहा है, व्हाइट वाला
सर वन से टू लगोगे एक्स, तो आपका ग्राफ इन दोनों ग्रीन लाइंस के बीच में है, तो एक हो जाएगा एक्स वन से टू, है ना। जब एक्स माइनस वन से जीरो है तो तुम्हें समझ आ रहा है जी एक्स इज गिवन बाय वन माइनस टू एक्स, जब एक्स माइनस वन से जीरो है तो जी एक्स ये लिखा हुआ वन माइनस टू एक्स, और जब एक्स वन से टू है तो जी एक्स क्या लिखा हुआ है टू एक्स माइनस वन, वैसे वन पे स्क्वायर हुआ, और ये समझा। और लास्ट केस वुड यू केयर टू टेल बच्चों, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, इतना लेंदी आता नहीं है बट तुम लोग बताना चाहोगे लास्ट केस, जी एक्स कब का थ्री से बड़ा है, तो मुझे बताओ थ्री से बड़ा कब कब है, जल्दी बताओ। थ्री से बड़ा मतलब ये जो ऊपर वाली ग्रीन लाइन है इसके ऊपर कब कब है, इसके भी ऊपर x माइनस इनफिनिटी से माइनस वन और टू से इनफिनिटी, x x x फिर से सोचो x कहां से कहां तक, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन और टू से इनफिनिटी। हाँ सर, या तो माइनस इनफिनिटी से यहां से आते आते यहां तक आ जाओ माइनस वन तक, तब तक ये ग्रीन लाइन के ऊपर है, फिर नेक्स्ट इस वाली ग्रीन लाइन के ऊपर कब है, टू के बाद, है ना। तो ये बन रहा है x गोज फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन, या फिर सर x को टू के बाद ले लो, ओके ये भी स्क्वायर ब्रैकेट है क्योंकि g को थ्री भी लेना है। इस वाले केस में तो अब दिख ही रहा है कि यहां वाले केस में सर gx की वैल्यू ये थी और यहां वाले केस में gx की वैल्यू क्या थी, टू एक्स माइनस वन। ये वाला था सबसे इरिटेटिंग एंड सबसे घटिया स्टेप, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज अब अपना क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, बोलो। अदरवाइज अब अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बताओ ये क्लियर है। तो चलो अब कंपोजिशन निकाल लेते हैं, तो इसी को वापस से उठा लेता हूं ताकि ऊपर नीचे बार बार पीडीएफ ना करना पड़े। तो ये मैं अब राइट में लिख रहा हूं, देखो यहां पे ये इसको लिखने की जरूरत, अरे ये क्या हुआ, इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूं, दिख तो रहा ही है। अब ध्यान से देखो, इसको ये था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना बच्चों। तो अपना फाइनल कंपोजिशन, मेरी बात देखना अच्छे से समझना, तो फाइनल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बन रहा है बच्चों, ध्यान से देखो बहुत अच्छे से समझना प्लीज। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो पहला वाला तो डेफिनेशन कैंसिल हो गया क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं, उतने इंटरवल में कंपोजिशन हो ही नहीं रहा। तो अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टार्ट किया हमने, टेक्निकली मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ जीरो टू वन, है ना, माइनस वन से जीरो भी पॉसिबल नहीं था, जीरो से वन। तो जी एक्स जीरो से वन कब कब है, बहुत अच्छे से समझना, जी एक्स जीरो से वन कब कब है सर, जी एक्स जीरो से वन है आइदर जीरो से हाफ या फिर हाफ से वन, जीरो से हाफ या फिर हाफ से वन, ओके। तो आपने एक लिखा सर आइदर जीरो से हाफ या फिर, नहीं यार एक सेकेंड, नहीं नहीं जीरो पे राउंड ब्रैकेट ही था, जीरो पे तो उसकी हाइट वन हो रही थी, एक सेकेंड ये सही लिखा था मैंने, माय मिस्टेक। हाँ आइदर जीरो से हाफ या फिर हाफ से वन, है ना, ये वाले को पकड़ के इस वाले के हिसाब से जी एक्स सर दो पॉसिबिलिटीज हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज गिवन है जी एक्स प्लस वन, और यहाँ पे भी क्या गिवन है जी एक्स प्लस वन। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि वाई डिड वी नीड टू डू दिस, ये वाली स्टेप्स, क्योंकि सर जी एक्स प्लस वन में जी का क्या पुट करना है जो आया है, अगर x 0 से हाफ है तो g की वैल्यू क्या है, अगर x 0 से हाफ है तो g की वैल्यू क्या है, 1 माइनस टू एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टेक्निकली आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस टू एक्स, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बात समझे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इस इंटरवल में जी एक्स इज टू एक्स माइनस, इतना समझा। अब नेक्स्ट वाला पकड़ते हैं, जी एक्स वन और थ्री के बीच में कब कब है, जी एक्स वन और थ्री के बीच में ये वाला आ गया, ये तो वन और थ्री के बीच में सर दो केसेस हैं, दो इंटरवल हैं, एक आ रहा है माइनस वन टू जीरो, ओके एक आ रहा है माइनस वन टू जीरो, और एक क्या आ रहा है वन से टू, ओके। तो मुझे देखो यहां पे था थ्री माइनस जी एक्स, तो थ्री माइनस जी एक्स, अगर एक्स माइनस वन से जीरो है तो जी एक्स इज गिवन बाय वन माइनस टू एक्स, यहां पे भी जी एक्स इज गिवन बाय 2x माइनस वन, समझा। एंड लास्ट इज जी एक्स थ्री से बड़ा कब कब है, ये वाला, तो जी एक्स थ्री से बड़ा कब कब है सर, इसमें भी दो इंटरवल है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन या फिर टू टू इंफिनिटी। तो सबको समझा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, जी एक्स माइनस थ्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे है जी एक्स वन माइनस टू एक्स और माइनस थ्री, और वहां पे है जी एक्स टू एक्स माइनस वन,
माइनस थ्री। तो इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड, इसको और सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है। ये मतलब दिस इज नॉट द फाइनल वर्जन, क्योंकि लिखा अच्छे से नहीं है। लिखते कैसे, हमेशा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिखो। तो अभी मैंने ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, सबसे पहले ये आना चाहिए, फर्स्ट ये लिखो और उसका करेस्पॉन्डिंग फॉर्मा लिखो, फिर उसके बाद माइनस वन से सेकेंड ये आएगा, फिर थर्ड किसका डेफिनेशन आना चाहिए, ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ऐसे लिखना चाहिए। बट अब छोड़ो, मतलब वो अपना कंसर्न नहीं है, वो अपन बाद में कर सकते हैं कभी भी एडिटिंग। बट सबको समझा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच वॉज एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ एक्स इज हियर। बोलो, दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये थोड़ा गंदा है, आई विल नॉट डिनाई दैट, ये गंदा है। और मैंने स्पेशली, मैंने खुद ने भी ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल लिया, मैंने भी ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो यूजली इससे छोटा ही वर्जन आएगा, बट अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो मुझे बताओ। ये आंसर आया है हमारा, इसको और ब्यूटिफिकेशन करना है तो कर लो, बट दिस इज द आंसर, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। पहले एक क्विक रिकैप, एफ एक्स दिया था और जी एक्स दिया था, तो मेन प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे कि सर इतने सारे डेफिनेशन है, कहाँ पे क्या जी रखना है, कहाँ पे क्या करना है, वो ही नहीं समझ आ रहा। तो स्टार्टिंग पॉइंट था, पहले तो आप लिटरली एक्स की जगह जी ऑफ एक्स रख दो, तो एवरीवेयर यू रिमूव जी एक्स, तो यहाँ सब जगह जी एक्स जी एक्स जी एक्स आ रहा। तो मेन प्रॉब्लम है कि सर ये आंसर थोड़ी है, क्योंकि आंसर चाहिए एक्स के टर्म्स में, आपने जी एक्स के टर्म्स में लिखा है, और जी एक्स भी आपने पता नहीं क्या कहाँ पे क्या रखना है वो पता ही नहीं। तो ये जो है, ये तीन के लिए मुझे सिंस जी एक्स पे कंडीशन है कि जी एक्स कब से कब तक, कहां पर कहां, वन से थ्री, थ्री से इंफिनिटी, तो जी एक्स का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, चलेगा? तो जी एक्स का ग्राफ प्लॉट किया, फिर मैंने देखा कब कब भैया ये वन से थ्री के बीच में, तो वाई इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू थ्री लाइन बनाई, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्स के इंटरवल्स बनाए और उसके अकॉर्डिंग मैंने जी एक्स की डेफिनेशन बनाई। और आफ्टर दिस, ये जो कचरा था ना केस वन टू थ्री फोर, इसके बाद तो सीधे सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया एज इट इज, है ना। तो बोलो, इसमें कुछ डाउट है? एक काम करो, स्टार्टिंग से देख लो, कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो, और अभी फॉर द टाइमिंग स्क्रीनशॉट ले लो, दैट वुड बी इजियर। पूरा कॉपी करने का वैसे भी मतलब नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो फॉर रेफरेंस पर्पस, फॉर रेफरेंस पर्पस स्क्रीनशॉट लेके रख लो। मैं जब पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो आराम से उसमें से कॉपी कर लेना, क्योंकि वैसे अपने लेक्चर लग नहीं रहे हैं, तो कवर करते 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 फिर पता नहीं एक और महीना लग जाए, इससे बेटर है थोड़ा अपन खत्म करने की कोशिश करते हैं आज फंक्शंस, काफी टाइम से खींचे आ रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इफ यू वांट स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे पोस्ट कर दो ताकि किसी को भी डाउट ना रहे। ये वाला एक स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जस्ट रेफरेंस पर्पस के लिए, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूं आपको एक दो क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि मुझे पता है यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, मुझे पता है, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ा सा समझ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? क्वेश्चन दू? यस। चलो, तो थोड़े इसके इजियर वर्जन होंगे, इतने बड़े नहीं कराता कोई, तुम्हें खुद को समझा होगा कि इतना बड़ा तो सर जेई में टाइम थोड़ी रहेगा। आई एग्री, इतना टाइम भी नहीं है और इतना बड़ा कोई पूछता भी नहीं है। तो इसका छोटा वर्जन देखते हैं अपन, जो कि इन चैप्टर में, ठीक है। आई होप सबके पास अपना अपना बुकलेट हो। तो इन चैप्टर थ्री में जाओ बच्चों, इन चैप्टर थ्री, इन चैप्टर थ्री में मुझे चाहिए आप कौन सा ट्राई करो पहले, क्वेश्चन टू। वैसे है तो ये भी लेंदी, बट प्लीज ध्यान से देखना, उसने खाली इस इंटरवल में मांगा है, तो आपको पूरा एफ ऑफ एफ निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, खाली इतने इंटरवल में क्या आएगा वो निकालना है। ओके, और क्वेश्चन फोर भी कर लेते हैं। चलो, तो अपन को ये क्वेश्चंस करना है, थोड़ा केयरफुली करना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा इरिटेटिंग है, नहीं आए तो पूछ लेना, शर्माना मत, ठीक है, नहीं आए तो पूछ लेना। If you find any difficulty, then feel free to ask. So, चलो start करो in chapter 3 का question 2. And as I said, पूरा f of f निकालने की जरूरत नहीं है. चलो, at least इतना तो मैं कर ही देता हूँ. f of f. Basically, x की जगह f x रख दो. इतना तो मैं लिख ही सकता हूँ. है ना?
आ जाएगा जीरो से एफ एक्स वन, ओके एफ एक्स प्लस टू, और ये था बीच वाला क्वांटिटी एफ था एक्चुअली, ये एफ है, एंड फोर माइनस एफ एक्स टू से एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू फोर, बट अगेन एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है ओनली फॉर एक्स थ्री टू फोर, तो x 3 टू 4 कब कब क्या क्या f होगा वो सोचो, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा f का प्लॉटिंग करना पड़ेगा, तो टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो पहले f का प्लॉटिंग करो बच्चों, मैं दो मिनट में आता हूं। एफ तो सिंपल है, तीन स्ट्रेट लाइंस बनानी है बस, तीन छोटे छोटे ऐसे पोर्शन ऑफ लाइंस बनाने, बट उसको जज करने में थोड़ा सा पोपट हो सकता है, तो अच्छे से सोच समझ के करना। तो पहला डायग्राम क्या बोल रहा है, एक्सिस फ्रॉम जीरो टू वन, वन माइनस एक्स, तो सबको समझा, जैसे पहले मैं इसे मार्क कर देता हूं, वन टू थ्री फोर, तो और यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर, तो पहला बोल रहा है एक्सिस फ्रॉम जीरो टू वन, तो जीरो से वन वन माइनस एक्स, तो सबको समझा जीरो से वन वन माइनस एक्स, ये रहा जीरो से वन, दिस इज वन माइनस एक्स, ओके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, एक सेकंड, तो अब नेक्स्ट वाला क्या बोला है, नेक्स्ट वाला इज, वैसे ये इन दोनों पॉइंट पे इंक्लूडेड था, तो यहाँ पे जीरो पे इतना है, वन पे इतना है, ठीक है, उसके बाद सडनली एक्स प्लस टू, तो बच्चों को समझ आ रहा है कि एक्स प्लस टू कहाँ पहुंच जाएगा, x को 1 डालो 3 पे पहुंच जाएगा बच्चों, है ना, तो स्लोप 1 ये बन जाएगा x प्लस 2, 1 स्लोप वाला लाइन x प्लस 2 ऐसा बन जाएगा, उसके बाद क्या है 4 माइनस x, तो x को लिटरली 2 डालोगे तो ये 2 ही बनेगा, है ना, 4 माइनस x में x को 2 डालो ये, और फिर x को 4 डालो तो ये बन जाएगा, विच इज दिस, तो टेक्निकली दिस इज योर ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ इतना इरिटेटिंग बना है, बट कोई बात नहीं, डरना नहीं है, पेशेंस रखना है, अपने आप बन जाएगा, तो ये ग्राफ बना है एफ ऑफ एक्स का, वन टू थ्री फोर, और ये भी क्या है बच्चों, वन टू थ्री फोर, अब बहुत अच्छे से समझना, उसने एक्स क्या बोला है, उसने एक्स क्या बोला, एफ ऑफ एक्स उसने बोला ये है, तो अब एफ एक्स जीरो से वन, अच्छा वैसे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन एक्स इज 3 टू 4, तो एक्स इज 3 टू 4 है तो एफ ऑफ एक्स क्या क्या है,
अगर x 3 टू 4 है, खाली x से 3 टू 4 है, तो f ऑफ x क्या है? 4 माइनस x, है ना? तो अपना बस एक ही कैसे कि अगर x से 3 टू 4 ले रहे हो, if x is 3 टू 4, then f ऑफ x क्या बन रहा है? 4 माइनस x, है ना? और इन तीनों में से कौन सा डेफिनेशन यूज होगा? तुम कुछ सोच के बताओ, अगर x 3 टू 4 है, तो fx का इंटरवल क्या रहा है बताओ? fx कहां से कहां तक लाई कर रहा है? अगर x से 3 टू 4 है, तो fx कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 टू 1, एंड fx lies in the interval 0 टू 1. तो fx अगर 0 टू 1 में लाई कर रहा है, तो कौन सा डेफिनेशन यूज करूं? f ऑफ fx का फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट वाला, है ना? क्योंकि अगर टेक्निकली fx 0 से 1 है, तो f ऑफ fx क्या दिया हुआ है? 1 माइनस fx, हेंस द आंसर इज, बोलो, समझा? तो इसमें पूरा कंपोजिशन निकालने की जरूरत नहीं थी, इट वुड हैव बीन वेरी इरिटेटिंग, इसलिए क्वेश्चन ने अपन को बस इतना ही पूछा. आइडिया लगा? देख लो, किसी को डाउट हो तो पूछो, बट आई थिंक ये समझा होगा. और क्वेश्चन टू हो गया, तो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन थ्री. प्रोसीड फॉर क्वेश्चन थ्री. तो जी ऑफ एफ एक्स का पहले फॉर्मूला निकालो, और उसके बाद ग्राफ बना के रेंज निकालना बहुत आसान होगा, कोई बड़ी बात नहीं है. वैसे अगर मल्टीपल डेफिनेशन हो, दिस इज द वे टू डू इट, और सिंगल सिंगल डेफिनेशन हो, तो मैंने ऊपर कराई दिया था. सो दिस इज द वर्स्ट ऑफ फंक्शंस, बट पेशेंस है तो समझ आ जाएगा. क्वेश्चन थ्री ट्राई. उसने मांगा है जी ऑफ एफ एक्स ना, तो जी ऑफ एफ एक्स आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो जाएगा. अब सोचो, हाउ डू वी टैकल दिस?
एफ जी ऑफ एफ बनाना है तो किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले, जी सर्कल एफ। तो शक्ल देख के समझ रहे कि एफ की रेंजेस पे कंडीशन आ रही है, तो एफ का ग्राफ बना लो, काफी आसान है, है ना। क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक वन माइनस एक्स बनाना है, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स जीरो से वन, तो स्लोप माइनस वन और जीरो कॉमा वन तक, है ना। उसके बाद क्या बनाना है, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, ओके समथिंग लाइक दिस, दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब उसने क्या बोला, एफ एक्स लेस देन वन कब कब है, तो लेस देन वन के लिए बच्चों को समझ आ रहा है, ये हो गया, ये पॉइंट वन कॉमा वन हो गया, तो रेड वाली लाइन के नीचे कब कब है, फर्स्ट केस एफ एक्स लेस देन वन। तो सर एफ एक्स लेस देन वन तो एक ही पॉसिबल दिख रहा है जब एक्स क्या हो, जीरो से वन, जब एक्स जीरो से वन है तो ये ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, और इस वाले सिनेरियो में एफ एक्स इज गिवन बाय सिंपल एक्स स्क्वायर। और सेकेंड केस क्या है बच्चों, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो सर रेड वाली लाइन के ऊपर तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर वो स्ट्रेट लाइन या फिर ये पैराबोलिक जो बन रहा है ना, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन सर या तो माइनस इंफिनिटी टू जीरो है ना, या फिर एक्स बिलोंग्स टू वन टू इंफिनिटी, ओके। अब अगर एक्स ये है तो इस वाले इंटरवल में एफ एक्स इज वन माइनस एक्स, और एक्स ये है तो इस वाले इंटरवल में एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो अब सीधे सीधे अपन एफ जी सर्कल एफ निकाल लेते हैं, तो जी सर्कल एफ क्या होगा बच्चों, एफ एक्स लेस देन वन कब कब है सर, जब एक्स जीरो से वन है, और तब एफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, तो माइनस एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। एक बन जाएगा सर एक्स माइनस इंफिनिटी टू जीरो, और एक बन जाएगा एक्स वन टू इंफिनिटी। तो बेसिकली इस वाले केस में वन माइनस एफ एक्स है ना, और इस वाले केस में वन माइनस एफ एक्स, तो ये जी ऑफ एफ एक्स आ गया। तो बेसिकली जी ऑफ एफ एक्स क्या बन रहा है, ध्यान से देखो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, क्योंकि उसने रेंज मांगा है, रेंज मांगा है तो ये फंक्शन पूरा लिखना ही पड़ेगा। तो अब अपन इसको तमीज से लिखते हैं, तो माइनस इंफिनिटी टू जीरो क्या बनाए, सिंपल एक्स है ना, वन माइनस वन माइनस एक्स, फिर जीरो से वन में क्या है दिस, और वन टू इंफिनिटी में क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका प्लॉट करेंगे टेक्निकली रेंज निकालने के लिए तो आसान हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल डेफिनेशन है, तो जी ऑफ एफ एक्स का प्लॉट ही कर लो, बहुत आसान हो जाएगा, ओके। तो जी ऑफ एफ एक्स का प्लॉट कैसे करेंगे, जो दिया हुआ है उसको प्लॉट कर दो, बड़ा सिंपल सिंपल सा है। तो ये देखो क्या बन रहा है बच्चों, उसने बोला है माइनस इंफिनिटी टू जीरो तक आप एक्स की लाइन बना दो, तो वाई कोस टू एक्स समझ आ रहा है, ये हो गया वाई कोस टू एक्स माइनस इंफिनिटी टू जीरो तक, ओके। उसके बाद जीरो से वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर कितने बच्चों समझ रहे हैं कि डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा, है ना, और ये पॉइंट हो जाएगा वन कॉमा माइनस वन ऐसा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेक्निकली ओपन सर्कल आएगा क्योंकि वन वहां से इंक्लूड होके जा रहा है, ये हो गया ठीक है। और उसके बाद एक्स वन टू इंफिनिटी, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर भी डाउनवर्ड पैराबोला ही होता है बच्चों, है ना, बट यहां से लेना है मुझे वन टू इंफिनिटी, मतलब यहां से, तो बेसिकली ये जा रहा है फिर ऐसा। तो सबको समझा रेंज क्या बन रहा है, सर आपका ग्राफ तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी टू जीरो है ना, माइनस इंफिनिटी टू जीरो वन कमा माइनस सर, तो इसका रेंज आ गया माइनस इंफिनिटी टू जीरो, ठीक है बोलो। तो विच ऑप्शन इज दिस, ए चलेगा बच्चों, देखो कोई डाउट है तो पूछो, If you have any doubt, feel free to ask. तो slowly, slowly, patience से करोगे तो answer तो आ जाएगा, इतना कुछ खास भी नहीं था, थोड़ा irritating है but solvable है, ऐसा नहीं है, ठीक है बोलो। अगर कुछ doubt हो, if you are feeling कि सर नहीं समझ आ रहा तो बता दो, मैं समझा दूंगा वापिस से, any point.
एनीथिंग एट ऑल, जी एफ ऑफ एक्स का क्यों प्लॉट किया, क्योंकि उसका रेंज मांगा था, तो आंसर ये आ गया ए ऑप्शन। तो फिर आगे बढ़े। यस चलो, तो एक काम करना, क्वेश्चन फोर आराम से सिमिलरली घर पे ट्राई कर सकते हो, ओके? तो यू गेट द बेसिक आइडिया, इसको आराम से वापस से ट्राई कर सकते हो, एंड नोट्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, तो यू कैन रिफर टू नोट्स एनी टाइम। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थ्योरी और कंटिन्यू करता हूँ मैं, नहीं तो रह जाएगा तो फिर से पता नहीं कितने टाइम वेट करना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज मेंशन कर देता हूँ, जस्ट सो यू नो, इसके प्रॉपर्टीज अटर यूजलेस, मतलब सुपर यूजलेस, इनके प्रॉपर्टीज का कोई काम नहीं आने वाला। तो ये फॉर्मेलिटी है, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो अपन ने अच्छे से कर लिए, वही है बस, बट मेंशन कर देता हूँ क्योंकि नोट्स तो बनवाने ही, अच्छे से कवर कर रहे हैं तो अच्छे से ही कर लेते हैं। तो एवरीथिंग मस्ट बी सीन। तो पहला प्रॉपर्टी क्या सजेस्ट करता है बच्चों? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी टेल्स अस कॉम्पोजिशन is not commutative, which is pretty obvious. That is, F circle G will not be G circle F. कोई reason नहीं है अपन को ये believe करने का। F of G of X कुछ और ही बन सकता है, G of F of X कुछ और ही बन सकता है। यही example देखो, याद करो, मान लो F X क्या दिया हुआ है, sin X, और G X क्या दिया हुआ है, root X। तो fog समझा था, एक्स की जगह जी एक्स रखना है एफ में, तो वो साइन रूट एक्स बन रहा है, एंड जी एफ क्या बन रहा है, रूट साइन एक्स। क्लियरली यू कैन सी कि फॉग एंड गॉफ आर कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शंस, तो कम्यूटेटिव नहीं होता कि फॉग और गॉफ अपने हिसाब से लिख लो, ओके? देन ये बात समझो, ये बोलने के लिए बस है, बट अदरवाइज बहुत ईजी चीज है। कंपोजिशन इज, इसको मैं यूज करूंगा कहीं ना कहीं, कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, इसको मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के एच के टर्म्स में लिखूंगा तो फील ही नहीं आएगा, देयर इज अ रीजन व्हाई आई हैव टू राइट इट लाइक दिस। एफ सर्कल जी सर्कल एच इज सेम एज एफ सर्कल जी सर्कल एच, ऐसे ब्रैकेट लगा के। तो अभी तो आपको एकदम से ऐसा लग रहा हो पता नहीं क्या है ये, इसका मीनिंग समझो क्या है। इसका मीनिंग ये है कि आपको तीन फंक्शन दिए होंगे एफ ऑफ जी ऑफ एच ऐसे करके, तो पहले इसका मीनिंग क्या, पहले आपने क्या निकाला है, जी ऑफ एच एक्स निकाला है, समझे, है ना? फिर इन दोनों का कंपोजिशन किया है, इसमें एक्स की जगह जी ऑफ एच एक्स रखा है, बात समझ गए क्या? तो एल एच एस बोल रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, बट ऑर्डर इज दिस कि पहले जी सर्कल एच निकाला, फिर एफ और इसका कंपोजिशन किया, एंड रिजल्ट तो यही है ना, बोलो राइट साइड क्या बोल रहा है। पहले आपने एफ जी और एच जो तीन फंक्शन दिए थे, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स जो तीन फंक्शन दिए थे, पहले आपने इन दोनों का कंपोजिशन निकाला, ओके? मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला और फिर इन दोनों का कंपोजिशन किया, बात समझ रहे हो? कितने बच्चों से हमारा एंड रिजल्ट तो वही है, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, बोलो बे। तो ये हो गया एसोसिएटिव, बोलते हैं इसको कि पहले एफ सर्कल जी निकाल के बाद में एच डालो, या फिर पहले जी सर्कल एच निकाल के एफ के अंदर डालो, ओके? दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला भी मतलब इंस्टिंक्टिवली आप डेवलप कर सकते हो इसको, इफ जी पीरियोडिक एंड पीरियड टी, बहुत अच्छे से समझना इस बात को, अगर जी पीरियोडिक एंड पीरियड टी है, देयरफॉर एफ ऑफ जी अंदर वाला पीरियोडिक होना जरूरी है, is also periodic, and उसका period भी क्या होगा बच्चों, capital T, g of fx, no comment, we don't know anything about g of fx, कुछ नहीं बोल सकते पहले से, but f circle g हमेशा होगा, f कुछ भी हो। तो देखो ऐसे example ले लेता हूँ मैं, खुद समझ के देखना, पहले proof देखो, मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ, लेट एच ऑफ एक्स बी गिवन बाय एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है? मुझे प्रूव करना है कि एच इज अ पीरियोडिक फंक्शन, तो मुझे बताओ एच ऑफ एक्स प्लस कैपिटल टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस टी, है ना?
कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये जी ऑफ एक्स प्लस टी, सर जी तो पीरियोडिक दिया हुआ है तो जी ऑफ एक्स प्लस टी तो जी एक्स ही बन जाएगा क्योंकि जी इज पीरियड एंड पीरियड इज टी जी का। अरे तो सर आप तो वापस से एच एक्स पे ही आ गए, तो अगर एच ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एच एक्स है इसका मतलब एच भी पीरियोडिक है ना, बात समझे। तो जैसे ये देखो इसमें कोई इशू की बात ही नहीं है, मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस एक्स, तो इसमें दो फंक्शन है समझ आ रहा है, एक रहा होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और एक रहा होगा सिंपल कॉस ऑफ एक्स। तो आप यू भी ऐसे इंस्टिंक्टिवली भी बोल सकते थे कि भले ही एफ सर्कल जीरो ये पीरियोडिक है कि नहीं बताओ, और इसका पीरियड क्या है अंदर वाले का पीरियड, एक्स की जगह टू पाई प्लस एक्स रखोगे सेम फंक्शन बन जाएगा। बट अगर ये बनता है देखो इफ यू हैव समथिंग लाइक कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये किन किन का कंपोजिशन है कॉस एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, दिस सर्कल दिस है, तो इसका पीरियड वही होगा जो अंदर वाले का पीरियड होगा, तो ये टेक्निकली पीरियोडिक तो है तो क्योंकि अंदर वाला भी पीरियड है पीरियडिक है, बट इसका पीरियड क्या हो जाएगा वन, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होते हैं वन, बात समझे। ओके तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी फिर भी यूज आ सकता है। बाकी फोर्थ एंड फिफ्थ तो बच्चों क्या है फॉर्मेलिटी है, ये तो यूजलेस ही लगती है मेरे को प्रॉपर्टी। इफ आप मैपिंग बना के चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, इफ एफ एन जी बोथ वन वन, आप कोई सा भी एक मैपिंग लेके बना के ट्राई करके देखो आपको दिख जाएगा, अगर एफ और जी दोनों वन वन है देन एफ सर्कल जी क्या होगा वन वन, ठीक है। इफ एफ एन जी बोथ ऑन टू, अगर एफ और जी दोनों मैपिंग ऑन टू मैपिंग है तो एफ सर्कल जी भी क्या बनता है बच्चों ऑन टू, ठीक है। बट उल्टा क्या बोलता है, ये उल्टा भी आप मैपिंग ट्राई करके देखना, इफ इट इज गिवन एफ सर्कल जी इज वन वन, अगर गिवन है कि एफ सर्कल जी वन वन है दैट इम्प्लाइज क्या होना जरूरी है, अगर एफ सर्कल जी वन वन है, इफ एफ सर्कल जी इज वन वन देन पहला वाला जो अंदर वाला है अंदर वाले को वन वन होना पड़ेगा, आप ट्राई करके देखना, जी को वन वन मत लेना और एफ सर्कल जी कभी भी वन वन नहीं आएगा, ये बना के देख लेना, फॉर एनी मैपिंग एफ जी मस्ट बी वन वन एफ नॉट नेसेसरी। ऑलराइट, एंड सिमिलरली अगर एफ सर्कल जी इज गिवन ऑन टू, अगर एफ सर्कल जी ऑन टू है तो आप क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हो, जी सॉरी बाहर वाला एफ को ऑन टू होना पड़ेगा और जी को क्या है कोई जरूरी नहीं है, जी का ऑन टू होना जरूरी नहीं है, होगा तो भी बुरा नहीं है, नहीं है तो भी हो सकता है कि एफ सर्कल जी ऑन टू रहा हो। तो ये पॉइंट आप मैपिंग बना के देख सकते हो, बट सिंस दिस इज सो यूजलेस मैं इस पर टाइम नहीं चढ़ाता। तो क्या किसी को किसी भी प्रॉपर्टी से कुछ भी पूछना है बच्चों, डज एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी डाउट हो तो पूछो बोलो। प्रॉपर्टी वन कंपोजिशन कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव, फिर पीरियड वाला, फिर ये फोर्थ एंड फिफ्थ तो मैं समझाया भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही लिख दिया फॉर्मेलिटी, यही कभी काम आता होता तो मैं और डिटेल में समझाता। बोलो इफ इट इज क्लियर शैल वी प्रोसीड बच्चों, अगर सारी प्रॉपर्टी सबको क्लियर है तो अपन आगे बढ़े। नोट्स तो आप आराम से पीडीएफ से कॉपी कर लेना और तब कॉपी करते करते वक्त पढ़ भी लोगे तो रिवाइज भी हो जाएगा उसी के उस टाइम। शैल वी प्रोसीड नेक्स्ट पार्ट, चलो तो नेक्स्ट पार्ट क्या देखो, बड़ा आसान सा है। अब जो वर्स्ट वाला था ना वो खत्म हो गया, दिस इज द एब्सोल्यूट वर्स्ट फ्रॉम फंक्शन, जो थोड़ा हैवी होता है बच्चों को पहली बार में नहीं समझता है, अब तो अब जो बच रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, इतना खास नहीं बनता इस पे कुछ क्वेश्चंस। इनवर्स फंक्शंस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन क्या बोल रहा है बच्चों, इनवर्स फंक्शन आसान है तो ये भी सुनते जाओ, काफी इजी है आपको समझ आ जाएगा। तो कंसीडर एक मैपिंग लेते हैं आप, ठीक है। तो ये रामान ए बी एफ, तो मैं ऐसे कुछ भी मैपिंग ले रहा हूं अभी फिलहाल जो मेरे को समझ आ रहा है उसके बेसिस पर। तो ए है 1 2 3 4 और ये है ए बी सी डी, तो चलो ऐसा कुछ मैपिंग है। अब आपको क्या करना है, वॉट यू मस्ट डू इज फ्लिप
डोमेन एंड कोडोमेन। तो डोमेन और कोडोमेन फ्लिप कर दिया, ओके, कीपिंग द मैपिंग सेम। मैपिंग सेम मतलब वन वॉज कनेक्टेड टू ए तो ए विल बी कनेक्टेड टू वन, टू वॉज कनेक्टेड टू सी तो सी विल बी कनेक्टेड टू टू, थ्री वॉज कनेक्टेड टू डी तो डी विल बी कनेक्टेड टू थ्री, एंड बी वॉज कनेक्टेड टू फोर, लाइक दिस। ये समझा? तो अगर ये हरकत करता हूं तो जो नई मैपिंग आई है, तुम इसको जी बोलना है तो जी बोल लो, बट ये मैपिंग को क्या कहा जाता है? एफ इनवर्स। स्वैपिंग, स्वैप डोमेन एंड कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन को स्वैप करो, कीपिंग द ओरिजिनल मैपिंग सेम। मतलब वो एरोस तो अभी भी सेम ही कनेक्टेड होने चाहिए। अगर मैपिंग सेम रखता हूं तो व्हाट डू वी ऑब्टेन? वी गेट इनवर्स ऑफ एफ एक्स, वी गेट मैपिंग विच इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये तो आई थिंक इतना तो तुम्हें समझते ही बच्चों कि ये जो एफ ऑफ ऐसे एफ की पावर माइनस वन लिखा हुआ है, ये तो समझते हो ना, इट इज नॉट एफ रेज टू माइनस वन, है ना? वो नहीं है, ये खाली एक नोटेशन है। अगर आप चाहो तो इसको जी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट सिंस एफ का ही डायरेक्ट रिलेशन है तो अपन इसको एफ रेज टू माइनस वन लिखते हैं, बट इट इज नॉट एफ रेज टू माइनस वन, इट इज जस्ट अ नोटेशन, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, जस्ट अ नोटेशन। एज जैसे अपन जी ऑफ एक्स लिखते हैं, ऐसे एफ इनवर्स एक्स लिख दो। तो एफ इनवर्स एक्स क्या डिनोट करता है? ये उल्टा पुल्टा वाला मैपिंग। एफ इनवर्स एक्स सिंपली डिनोट्स ये उल्टा पुल्टा वाला मैपिंग, नथिंग एल्स। तो ध्यान से देखो इसमें क्या बनेगा, क्या करेंगे, क्या पूछेंगे, सब समझते हैं एक-एक करके, ओके? तो एक बात बताओ, अगर ये जो मैंने बोला है कि स्वैप करो और मैपिंग सेम रखो, तो मुझे एक बात बताओ, इसके हिसाब से मुझे जरा इसका इनवर्स बताना। मुझे जरा इसका इनवर्स बताना क्या हो जाए। आपने बोला है डोमेन और कोडोमेन को सेम रखो, मैपिंग, वेरी गुड। तो ये समझा कि सर अरे यहाँ पे तो पोपट हो गया, क्योंकि जैसे उल्टा करा तो ए के दो इमेज आ गए, इट फेल्स टू बी अ फंक्शन। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि अगर सर आपको इनवर्स निकालना है तो क्या होना जरूरी है, अगर आपको इनवर्स निकालना है तो क्या होना जरूरी है? दो चीजें फेल हो रही हैं, दोनों की दोनों देखो, सी का तो इमेज ही नहीं आया, सी का कहाँ इमेज, और उसके बाद ए से दो इमेज आ गए। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि अगर फंक्शन को इन्वर्ट करना है, इफ यू वॉन्ट टू डू दिस स्टेप, देन क्या होना जरूरी है? बोलो, फॉर फंक्शन एफ टू बी इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब अगर उसका एग्जिस्ट करवाना है, एफ मस्ट बी, समझ आ रहा है, बाइजेक्शन, उसको वन वन भी होना पड़ेगा और उसको ऑन टू भी होना पड़ेगा। अगर मान लो ऑन टू नहीं है, वन टू थ्री ए बी सी डी, मान लो वन वन है बट ऑन टू नहीं है, तो उल्टा पलटी करते वक्त सबको समझ आ रहा है पोपट हो गया, ए वन बी टू सी थ्री, बट डी का तो इमेज ही नहीं आया, है ना? तो ऑन टू भी जरूरी है और वन वन तो देख ही लिया पिछले एग्जाम्पल में। तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर फंक्शन का इनवर्स का डिस्कशन कर रहे हैं तो एफ मस्ट बी अ बाइजेक्शन। इफ एफ इज नॉट अ बाइजेक्शन, इफ एफ नॉट अ बाइजेक्शन दैट इंप्लाइज नो इनवर्स, मतलब एफ इनवर्स लिखना ही गलत होगा और उसके बारे में पूछना भी गलत होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? बोलो। Yes, अब इसका एक्चुअल देखो, वो भी समझ लेना क्या हो रहा है, कैसे अपन इसको लिखते हैं, देखो लिखने में कैसे आएगा, और ये स्टेप क्रूशियल है फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑल्सो। यहाँ पे मैपिंग थी एफ, यहाँ पे मैपिंग थी एफ, तो एफ ऑफ वन ए होता है ना, यही बोलते हैं ना, एफ ऑफ वन इज ए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, वो तो अपना अजम्पशन है कि अब एफ इन्वर्टिबल है, तो ये एफ को उधर ट्रांसफर कर दो। तो ऐसा लग रहा है ना कि डिवाइड बाय एफ किया है, बट डिवाइड बाय एफ नहीं है, एफ को उधर ट्रांसफर कर दो। मतलब बेसिकली अगर एफ ऑफ वन ए है, इट इज एज गुड एज कि एफ इनवर्स ऑफ राइट साइड विल बी वन। देखो ना, वही तो है, इस मैपिंग को मैंने बोला एफ इनवर्स,
तो ये जो भी मैपिंग है जी मान लो इसको, तो जी ऑफ ए शुड बी वन ना, तो वही तो लिखा है मैंने जी ऑफ ए शुड बी वन, बात समझे? तो इसको इधर उधर टॉगल कर सकते हो कि एफ इनवर्स ए वन है तो एफ ऑफ वन ए होगा, और एफ ऑफ वन है तो एफ इनवर्स ए विल बी वन, प्रोवाइडेड एफ इज अ बाइजेक्शन, प्रोवाइडेड एफ इज अ बाइजेक्शन, ठीक है? आई होप ये समझो सबको। चलो डॉट 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 ऐसे सबके लिए। तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अच्छा नहीं एक एग्जाम्पल तो बता दो, देखो ये जो बाइजेक्शन था, ये जो बाइजेक्शन था इसको लेकर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स, मैंने फंक्शन लिया है साइन एक्स, बट मेरा कोडोमेन और डोमेन देखो आर टू आर, तो तुम मुझे बताओ क्या ये इन्वर्टिबल है? बोलो एग्जाम्पल वन, क्या ये इन्वर्टिबल है? फंक्शन है साइन एक्स और डोमेन कोडोमेन आर टू आर, क्या ये इन्वर्टिबल है? क्या चेक करना पड़ेगा इनवर्स के लिए बच्चों? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ध्यान से देखो, अगर मैं ग्राफ ही बनाता हूं, हाँ दिस इज मैनी वन इन टू है, ये मैनी वन इन टू, तुम ग्राफ बना के देखो, ये रहा तुम्हारा साइन एक्स, कितने बच्चों को दिख गया सर? डोमेन अगर ऑल रियल नंबर ले रहे हो तो ये तो मैनी वन होता है, एंड वाई इज इट इन टू? क्योंकि अगर डोमेन ऑल रियल नंबर है तो सर रेंज तो माइनस वन टू वन ही होता है, बट आपने कोडोमेन आर दिया हुआ है, तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो ऑन टू भी नहीं है, बात समझ गई है ना? तो आप आर टू आर लोगे तो सर आपका पोपट होना है, ये फैक्ट है। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ फॉर्मूला सेम है बट माइनस वन टू वन एंड आर, अब ये इनवर्स है क्या? इसका इनवर्स निकाल सकता हूँ साइन का? सर आपने डोमेन लिया, सॉरी मैंने उल्टा ही लिखा यार, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब बोलो आपने अभी भी नहीं है ना, क्योंकि सर आपने डोमेन तो आर लिया है ना, तो सर मैनी वन हो गया, फिर वही बात हो गई, माना ये ऑन टू है, ये मैनी वन है बट ये ऑन टू हो तो पोपट हो रहा है मैनी वन के कारण, दैट इंप्लाइज इसका अभी भी इनवर्स नहीं है। तो अब तुम्हें समझ आ रहा है कि सर अगर आप इनवर्स की बात कर रहे हो तो इसको वन वन भी बनाओ, और इसको वन वन बनाने के लिए कितने बच्चों को समझा? सर आपको ये लेना पड़ेगा, बोलो खाली इतने इंटरवल में, अरे अच्छे से लिख जा रहे भाई, बोलो अब ये वन वन है, इज दिस वन वन? बोलो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, हाँ वन वन है, और रेंज भी माइनस वन टू वन है तो ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्शन है, तो खाली इस डोमेन और कोडोमेन वो इन्वर्टिबल है, बात समझ गए? तो जहाँ की आपने याद हो फंक्शंस के एकदम स्टार्टिंग में आपने ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स के बारे में क्या पढ़ा था, उसका डोमेन होता है माइनस वन टू वन और रेंज होता है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये पढ़ा था, तो यू आर नॉट टोल्ड द रीजन, बट दिस इज द रीजन, ध्यान से देखो, एफ इज ए टू बी, अगर एफ ए टू बी है तो ध्यान से देखो एफ इनवर्स कहां से कहां था, एकदम फर्स्ट प्रूफ में ध्यान से देखो, अगर एफ ए टू बी है तो एफ इनवर्स कहां से कहां तक होगा? बी से, तो अगर साइन एक्स माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एंड माइनस वन टू वन लेता हूं तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? उल्टी पलटी डोमेन और कोडोमेन को पलट दो तो माइनस वन टू वन और रेंज आ जाएगी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो साइन इनवर्स इज डिफाइंड एज लॉन्ग एज दिस इज द डोमेन एंड कोडोमेन, चलेगा? तो ये रीजन था साइन इनवर्स के डोमेन का और रेंज का, है ना बच्चों? आई होप दिस इज ओके, राइट? चलो और आगे बढ़ते हैं, अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये सबसे आसान होता है, इसमें कुछ भी फाइट नहीं है, इनवर्स कैसे निकालते हैं ये देखो फेयरली इजी, हाउ टू फाइंड इनवर्स, सबसे पहले ध्यान से देखो आपको क्या गिवन होगा, व्हाट इज गिवन टू यू, आपको गिवन होगा एफ एक्स का फॉर्मूला, है ना, एफ एक्स का फॉर्मूला गिवन होगा, सो
एफ इनवर्स का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? आपको दिया होगा एफ एक्स, कुछ भी दिया हो, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स, वट एवर, तो एफ इनवर्स का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले स्टेप वन क्या होता है, ये स्टेप वन, लेट वाई बी एफ इनवर्स एक्स, लेट वाई बी एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कितने बच्चों को चलेगा? ये तो एकदम यूनिवर्सल है, ये डायरेक्टली भी कर सकते हो कि वाई है वाई एफ इनवर्स एक्स, तो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है अभी। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि इसको इधर फ्लिप फ्लॉप कर सकता हूँ? जल्दी बताओ, ये मैंने सिखाया अभी, यही मीनिंग होता है कि एफ इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दो तो एफ ऑफ वाई को एक्स लिख सकता हूँ। बोलो अभी बताओ, ये मुझे पता होगा कि नहीं बताओ, सिंस मुझे एफ एक्स का फॉर्मूला है, मेरे पास एफ एक्स का फॉर्मूला है, तो इन फॉर्मूला ऑफ एफ एक्स रिप्लेस एक्स बाय वाई, तो तुम्हें एफ ऑफ वाई मिल जाएगा, है ना। तो अब क्या मिलेगा यहाँ पे, ऐसा सोचो, देखो यहाँ पे कुछ y का कचरा सा होगा और x है, तो अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है तो यहां से मुझे टेक्निकली क्या करना है, ये जो भी कचरा ऑफ y इन टर्म्स ऑफ सिंपल x आ रहा है, मुझे f इनवर्स x निकालना है, दैट मींस आई हैव टू एक्सप्रेस, यहां से जो भी करना है करो हरकत, एक्सप्रेस y y इन टर्म्स ऑफ x। अभी टेक्निकली x इन टर्म्स ऑफ y आ रहा है, बट तुम ऐसे मैनिपुलेट करो, जो भी बन रहा है बनाओ, बट ट्राई टू गेट y इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि थोड़ा सा समझ आए, उसके बाद मैं इस पर काफी प्रैक्टिस करवाऊंगा। f of x is given, let's say, e raised to x, और डोमेन है r और रेंज है 0 टू इन्फिनिटी, तो ये बाइजेक्शन है, ठीक है, दिस इज द बाइजेक्शन। तो f इनवर्स x का फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, लेट y बी f इनवर्स x, है ना, विच इज एज गुड एज f ऑफ y इक्वल्स टू x, बच्चों विच इज एज गुड एज f ऑफ y इक्वल्स टू x। अब मैंने क्या बोला, f ऑफ y बता सकता हूँ क्या क्या होगा? हाँ सर, एफ एक्स पता है तो एफ वाई पता है, e raise to y, है ना, बट दिस इज नॉट द आंसर येट, क्योंकि जब भी मैंने बोला कि इनवर्स निकालना है, मतलब y इज f इनवर्स x, मतलब y क्या आ रहा है, तो सबको समझ आ रहा है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, in order to get y in terms of x, take log on both sides, बोलो। तो y purely in terms of x आ गया, हाँ सर आ गया, तो f inverse x का formula आ गया, बात समझे। तो actually exponent का inverse क्या होता है, e raised to x का inverse क्या होता है, log, चलेगा। तो f inverse x is given by this function, और जिसका domain हो जाएगा 0 to infinity और range हो जाएगा r, और वही होता था, याद करो log x सब कब डिफाइंड है, 0 टू इन्फिनिटी होने, और उसका रेंज आ रहा था, याद आ गया बच्चों, सिंपल स्टेप, ओके, देख लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। स्क्रीनशॉट लेना है क्या इसका, क्योंकि मैं कॉपी करने का टाइम तो नहीं दे रहा हूं, बट जस्ट सो यू नो करना कैसे है वो समझे तो सही, स्क्रीनशॉट लेना है, लेना तो ले लो, मैं इस पर थोड़ा प्रैक्टिस देता हूँ, आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दिस। चलो मैं थोड़े से क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन वन, ये वाले फिर भी अच्छे से आना चाहिए, तो ट्राई फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ, मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, ओके, और तुम देख देख के इनवर्स निकालने की कोशिश करो। तो स्टार्टिंग के इजी है, आखिरी में थोड़ा सा बस कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन दूंगा, और मैं आपको बाय डिफॉल्ट बाइजेक्शन ही दे रहा हूँ, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। Usually you should check bijection है भी कि नहीं है, but अभी मैं आपको, अभी मेरा वो check करवाना, one one on two check करवाना is not the motive, just function का inverse निकलवाना is the motive।
अच्छा एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, आई थिंक इट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग टू से, एवरी इन्वर्टिबल, एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन एज अ यूनिक इनवर्स. ऐसा नहीं हो सकता कि एफ इनवर्स एक्स दो फॉर्म ले आ जाए. ऑब्वियस सी बात है, अगर एफ एफ एक मैपिंग था तो इसका इनवर्स भी यूनिक मैपिंग आएगा. ठीक है, प्रिटी ऑब्वियस. तो ट्राई करो ये क्वेश्चंस, ओके टाइप है, कोई सुपर डिफिकल्ट भी नहीं है. तो दीज सेवन क्वेश्चंस, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लेके रख लो. वैसे मैं यहीं पे रख के रखता हूँ स्क्रीन, ट्राई करो एक एक करके. फर्स्ट आ गया, आई एम गेसिंग फर्स्ट वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? फर्स्ट वाले में अगेन, हाँ यहाँ से स्टार्ट करो, एफ इक्वल्स टू सॉरी वाई इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स, दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ वाई इज एक्स. बड़ा सिंपल सा है, एफ ऑफ वाई इज एक्स. अब बस अपन को वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ वाई क्या बन जाएगा सर? एफ एक्स टू एक्स प्लस थ्री, तो एफ ऑफ वाई इज टू वाई प्लस थ्री. तो सीधे सीधे आंसर क्या आ रहा है, y बन रहा है x माइनस थ्री बाय टू. तो ये आपका f इनवर्स x है, ठीक है? बस यही करना है, करते जाओ, नेक्स्ट स्टेप करो. मैं आता हूँ, अच्छा दो तीन मिनट में घूम के आता हूँ, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करो.
चलो सेकेंड वाला आ गया। अब मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट एफ ऑफ वाई बी एक्स, बट इसमें थोड़ा ध्यान देना, लेट एफ ऑफ वाई बी एक्स, तो आपने जैसे एफ ऑफ वाई को रखा होगा एक्स, यू मस्ट हैव एंडेड अप गेटिंग वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज एक्स, है ना। अब क्या करेंगे, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, वैसे टेक्निकली निकाल तो सकते हैं, ये सबको समझा, बट यहाँ पे एक्चुअली में पता है क्या हो रहा है, पोपट हो गया। सर आपने तो y अभी बोला थोड़ी देर पहले कि y का एक ही वैल्यू आना चाहिए, एक ही आना चाहिए यूनिक, बट यहाँ पे तो दो आ रहे हैं, पोपट हो गया। तो क्या हो रहा है, आपने गलत सीखा है कि हम गलत सॉल्व कर रहे हैं? तो ध्यान से देखो, एक्चुअली में द थिंग इज, ना तो मैंने गलत सीखा है ना हमने गलत सॉल्व किया, हमें बस एक थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैं समझ आ रहा है f क्या था बच्चों, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन, f ये था। तो f इनवर्स क्या होगा जल्दी बताओ, अगर f ये है तो f इनवर्स क्या होगा? सर स्विच कर दो डोमेन और कोडोमेन। वैसे मैंने क्वेश्चन गलत लिया क्या, एक सेकेंड, आई शुड हैव गिवन जीरो टू इंफिनिटी, एक्चुअली ये बाइजेक्शन नहीं है बच्चों, सॉरी मैंने गलती कर दी, ये बाइजेक्शन नहीं है, आई एम सॉरी, ये देना चाहिए था मुझे, समझ रहे हो, एफ एक्स विच इज एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये ग्राफ बनता है। तो मैंने इसको बाइजेक्शन बनाने के लिए पहले तो डोमेन क्या दिया है, वन टू इन्फिनिटी, तो डोमेन दिया वन टू इन्फिनिटी, मतलब यहां से, तो यहां से स्टार्ट करूंगा मैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वन वन तो हो गया, बट ऑन टू होने के लिए रेंज होना चाहिए था जीरो टू इन्फिनिटी, मैंने गड़बड़ दिया था सॉरी, इसलिए तो मैं सोचू क्या प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली में ये जीरो टू इन्फिनिटी है, तो अब देखो ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी एंड वन टू इन्फिनिटी। तो मुझे तुम कुछ सोच के बताओ, एफ का रेंज क्या आ रहा है, सॉरी एफ इनवर्स का रेंज क्या होना चाहिए, सिंस एफ का डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है, तो एफ इनवर्स का रेंज ये होना चाहिए ना। तो यू चूज द डेफिनेशन सच दैट कम से कम आपका डोमेन और कोडोमेन सेटिस्फाई हो जाए, तो कौन सा वाला होगा बताओ, क्लियरली वन माइनस रूट एक्स इज रिजेक्टेड और नॉट, तो करेक्ट आंसर इज एफ इनवर्स एक्स इज ओनली एफ इनवर्स, अरे भाई वन प्लस रूट एक्स, क्योंकि वन प्लस रूट एक्स का रेंज क्या हो रहा है, वन प्लस समथिंग है ना, तो वन टू इन्फिनिटी ये वाला जाएगा, वो हो रहा है वन माइनस समथिंग, ठीक है। तो देन रेंज और कोडोमेन देख के आप, सॉरी डोमेन एंड रेंज देख के आप डिसाइड कर सकते हो विच फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है। तो बाई इक्वल्स टू वन प्लस रूट एक्स इज द इनवर्स, आई होप दिस इज अंडरस्टूड, थर्ड ट्राई करो। क्या हुआ वापस बोलो, थर्ड में भी वो प्लस माइनस में से चेक कर, हाँ तो प्लस माइनस अब आप चेक कर सकते हो ना, क्योंकि अपन को डोमेन और रेंज तो दिया है ना, तो चेक करो क्या वाला डेफिनेशन से आपको जीरो टू वन डोमेन और रेंज जीरो टू इन्फिनिटी आ जाए, रेंज शुड बी जीरो टू इन्फिनिटी। आ गया थर्ड, थर्ड वाले में क्या करना है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स, तो बेसिकली वी आर गेटिंग वन बाय वन प्लस वाई स्क्वायर, वन बाय वन प्लस वाई स्क्वायर,
इक्वल्स टू एक्स. तो वाई क्या मिल गया यहाँ से, आई थिंक वाई आ रहा है 1 + y² = 1/x. तो प्लस और माइनस रूट ओवर 1/x - 1, है ना. अब तो मैं खुद को दिख रहा है कि सिंस एफ इनवर्स इसका डोमेन हो जाएगा, एफ का क्या था 0 to 1, और रेंज क्या आना चाहिए, टेक्निकली रेंज शुड कम आउट टू बी 0 to ∞, है ना. एफ का ये था तो एफ इनवर्स ही हो जाएगा. तो कौन सा वाला हो जाएगा आंसर, ओनली प्लस, क्योंकि प्लस वाला ही 0 to ∞ जा सकता है. तो क्लियरली नेगेटिव वाला इज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द डोमेन इनवर्स. ठीक है, तो ये आंसर है एफ इनवर्स का. दिस इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स रूट ओवर 1/x - 1. ओके, फोर ट्राई करो. वैसे क्वेश्चंस लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े. fx is x plus 1/x, easy hai. तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लेट एफ ऑफ वाई बी एक्स. ओके, सो इससे क्या मिल रहा है, वाई प्लस 1/y इज एक्स, बट द थिंग इज वी हैव टू फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स. कोई बड़ी बात नहीं है, क्वाड्रेटिक बना लो. तो y² - xy + 1 = 0. तो y के रूट्स क्या आ रहे हैं, -b + √b² - √2. तो इसमें भी फिर से प्लस माइनस आ गया, कोई बात नहीं. तो मैं समझ आ रहा है एफ ये है, तो एफ इनवर्स क्या होना चाहिए, 2 to ∞ से लेकर 1 to ∞. तो अगर मुझे रेंज 1 to ∞ चाहिए तो आंसर क्या आ जाएगा, खाली प्लस वाला, क्योंकि प्लस वाला ही इट कैन गो अप टू इन्फिनिटी. माइनस वाला इन्फिनिटी नहीं जाएगा, क्योंकि एक्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, x² - 4, तो ये 1 से छोटा ही रहेगा, 2 से छोटा एक्चुअली. तो x प्लस रूट ओवर दिस, दिस विल गो अप टू इन्फिनिटी. माइनस वाला इन्फिनिटी नहीं हो सकता, नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, इसमें भी रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन एंड रेंज. इसकी शक्ल देखते हुए नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा. तो f इनवर्स x इज गिवन बाय दिस. ठीक है, प्रीटी इजी आई गेस. फिफ्थ ट्राई करो, फिफ्थ भी इजी है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है. तो अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा, तो करते जाओ.
तो एफ ऑफ वाई को एक्स से स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली क्या बन रहा है, टू रेस टू वाई इंटू वाई माइनस वन इज एक्स. ओके अबे क्या हो रहा है इसको. तो अब आपको अगर y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, log. तो log टू द बेस टू अगर लेता हूं तो एटलीस्ट कम से कम y से y पावर से तो हट गया. अब ये बेसिकली फिर से वही हो गया, क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल दो. वन प्लस फोर log x टू द बेस टू, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस हंड्रेड बी स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन टू ए. तो इसमें भी सबको दिख रहा है कि नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए वन से बड़ा, तुम्हें चाहिए एफ. अगर ये है तो एफ इनवर्स क्या होगा, फ्लिप करने पे वैसे टेक्निकली वही बन रहा है, बट अगर तुम्हें रेंज चाहिए वन से ग्रेटर तो नेगेटिव वाले को रिजेक्ट करना पड़ेगा. तो करेक्ट आंसर इज ओनली दिस, ये एफ इनवर्स एक्स है, दिस इज योर एफ इनवर्स. ठीक है, सिक्स से ट्राई करो. सिक्स में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कोडो में, डोमेन बस इनवर्स निकाल लो और सेवन ट्राई करो उसके बाद. जल्दी देखो, अज्यूम इट टू बी इन्वर्टिबल. आ गया, ये भी सिंपल है. एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स मतलब टेन रेस टू वाई प्लस टेन रेस टू माइनस वाई अपॉन टेन रेस टू वाई माइनस टेन रेस टू माइनस वाई एक्स, ऐसा बन रहा है. तो इसमें क्या लगाओगे, क्लियरली यू विल डू कंपोनेंटो डिविडेंडो. तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या मिल जाएगा, टेन रेस टू वाई अपॉन टेन रेस टू माइनस वाई is x plus 1 upon x minus 1. बस हो गया सॉल्व करके. तो 10 raised to 2 y is this. तो y निकालना है तो what do we get? y is basically half of log to the base 10 by x plus 1 upon x minus 1. ठीक है, this is it. तो ये बन गया आपका inverse, है ना. और लास्ट वाला अगर ट्राई किया तो डिस्कस कर लूं. लास्ट वाला एक स्पेशल केस है जिसको मेरे को बस ऐसे ही मेंशन करना है कि क्या हो रहा है इसमें. इसमें आप ट्राई करोगे तो आपको दिखेगा कि आप फंस गए हो. लेट्स सी दैट. एक सेकंड, कुछ पोपट हो गया क्या, नहीं पता नहीं. हाँ, लास्ट वाला ये केस है, ट्राई करके देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, बताओ.
कहाँ पोपट हो रहा है बताओ। जैसे ये किया तो आपको क्या मिला, y प्लस साइन वाई इक्वल टू एक्स, है ना। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बताओ, अरे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वी कैन नॉट एक्सप्रेस y प्योरली या फिर एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x, जल्दी बताओ। ये दिख रहा है, तुम कुछ भी कर लो y को सेपरेट कर ही नहीं पा रहे, तो इसका क्या मीनिंग है, दैट डजेंट मीन एफ इनवर्स डजेंट एग्जिस्ट, इट सिंपली मीन्स एफ इनवर्स इज गवर्न्ड बाय दिस इम्प्लिसिट फंक्शन। बात समझे, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब समझ आ रहा है, जहां पे आप y प्योरली इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते, इक्वेशन विल बी कंबाइंड, आप y प्योरली इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते, इक्वेशन हमेशा x और y में कंबाइंड ही रहेगी, यू कैन नॉट सेपरेट आउट y इन टर्म्स ऑफ x, बात समझ रहे हो, विच इज फाइन, कोई गलत नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी कि हमेशा हर पॉसिबल फंक्शन को आप ऐसे फॉर्मेट में लिख दो, क्यों भाई ऐसा कहां जरूरी है, कई फंक्शन ऐसे कंबाइंड इक्वेशन भी होते हैं कि भाई x और y साथ में इक्वल टू जीरो, ऐसा तो ये वैसे ही फॉर्मेट है चलेगा। तो इससे अपना कंक्लूजन क्या निकला है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर दैट मींस फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं, अरे नहीं नहीं भाई, अगर f बाइजेक्शन है तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा f इनवर्स का मस्त फॉर्मूला आ जाए इन टर्म्स ऑफ x, हियर वी कैन नॉट एक्सप्रेस y प्योरली इन टर्म्स ऑफ x, बट दैट डजंट मींस f इनवर्स x डज नॉट एग्जिस्ट, f इनवर्स x एग्जिस्ट बट उसका फॉर्मूला इज एक्चुअली अ इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं इसको, जहां पे x और y सेपरेट नहीं हो रहे, ठीक है, चलेगा बच्चों। Yes. चलो तो ये हो गया अपना इनवर्स कैसे निकालते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बड़ी सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज है बच्चों। ओके तो देखो एक दो पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहला देखो, f अगर a टू b है देन, ये समझा था, एफ ए टू बी अगर इन्वर्टिबल है, एफ ए टू बी अगर इन्वर्टिबल है देन, ये समझा था कि एफ इनवर्स क्या हो रहा था बच्चों, देन एफ इनवर्स इज फ्रॉम बी टू ए, एंड नॉट जस्ट दैट, ये भी समझो, ये बाय डेफिनेशन एंड f का अपने इनवर्स से कंपोजिशन हमेशा क्या होगा, f का अपने इनवर्स से कंपोजिशन हमेशा क्या होगा, x, और f इनवर्स का f से कंपोजिशन भी क्या होगा, x, चलेगा। देखो कैसे, ये समझाने की कोशिश करूंगा तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज है, आप तो ऐसे देखो, लेट्स से f इज e रेस टू x, f is e raised to x, तो f inverse क्या बनता है, log of x, अब आप इनका composition निकाल के देख लो, what is f of f inverse, e raised to ln x, तो दिख रहा है x ही आ रहा है, f inverse of f क्या हो जाएगा, ln of e raised to x, obviously x, बात समझ रहे हो, f of f inverse is x only, मतलब basically बात समझ रहे हो कि f of 1 अगर a है तो हमें क्या समझ आता है, वन इज एफ इनवर्स ए, बोलो अब दोनों साइड एफ लगा दो, तो एफ ऑफ वन इज एफ ऑफ एफ इनवर्स ए, है ना, बट एफ ऑफ वन तो ए दिया हुआ है, तो तुम्हें समझ रहा है, ए इज बेसिकली एफ ऑफ एफ इनवर्स, मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल, तो एफ का कंपोजिशन विथ इट्स फंक्शन इज एक्स ओनली, सॉरी एफ का कंपोजिशन विथ इट्स इनवर्स इज एफ ओनली, एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ भी क्या होगा, x, हमेशा याद रखो ये काम की चीज है, इनफैक्ट ऐसे उल्टा भी यूज कर सकते हो, उल्टा मतलब ऐसे अगर कोई बोलता है आपको, अगर f सर्कल g इज x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन डोमेन, मतलब ये हमेशा ही x आ रहा है, तो तब आप क्या बोल सकते हो,
एफ का इनवर्स कौन होगा बच्चों? जी अंदर वाला, या फिर एफ इज जी इनवर्स, चलेगा? पोटेटो पोटैटो, ये बात होती है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपको ऑब्वियस सा भी लगेगा बट इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो फॉर्मूला ऑफ एफ एक्स गिवन होगा, और फॉर्मूला ऑफ एफ एक्स गिवन होगा तो f इनवर्स x का फॉर्मूला भी निकल ही जाएगा। तो ग्राफ्स ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स x, रिमेंबर दिस, आर सिमेट्रिक या फिर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सिमेट्रिक इज नॉट द बेटर वर्ड, द बेटर वर्ड इज आर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर बेसिकली इमेजेस ऑफ ईच अदर। अरे क्या हो रहा है अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x, रिमेंबर दैट, ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। बड़ी ऑब्वियस सी बात बता रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत हो सकता है आपने स्ट्रेट लाइन में सीख लिया हो, क्या पता, बट वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होता, इसलिए मैं अभी अच्छे से मेंशन कर देता हूँ कि आप y इक्वल्स टू x बनाओ। ओके, तो अगर आपको f का ग्राफ पता है तो आपको किसका और ग्राफ पता है, मान लो ये f है, अगर ये f है तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, भाई हमें g भी पता है, चलेगा? तो ये क्या बन जाएगा, नहीं अच्छा नहीं बना है, थोड़ा सा ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, लिटरली f का रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल्स टू x, दिस इज f इनवर्स x, चलेगा? देखो कितनी सिंपल सी चीज है, दिस इज सो सुपर सिंपल। मान लो इस पे एक पॉइंट है a कॉमा b, है ना, तो a कॉमा b का रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, b कॉमा a, है ना, तो ये हो गया ना, देखो तो मैं समझ रहा है fx पे अगर a कॉमा b है तो f ऑफ a b होगा कि नहीं बताओ, दैट इंप्लाइज a विल बी f इनवर्स ऑफ b, है ना, इसी को तो इनवर्स बोलते हैं। तो अगर f ऑफ a b है तो a इज f इनवर्स ऑफ b, ओके, तो ये बोल सकता हूं कि इसमें ये था a कॉमा b लाइज ऑन f, a कॉमा b लाइज ऑन f, तो अपन ने ऐसे लिख दिया, इसको मैं ये बोल सकता हूं अबे b कॉमा a लाइज ऑन f इनवर्स, बोलो सेटिस्फाई कर रहा है, x को डाला b तो y क्या मिल गया a, तो अगर a कॉमा b लाइज ऑन y इक्वल्स टू एफ एक्स, देन उसका रिफ्लेक्शन विल लाई ऑन f इनवर्स x, तो a कॉमा b इस पे पॉइंट लूंगा तो b कॉमा a उस पे आ जाएगा, तो ये हर ऐसे पॉइंट के लिए ट्रू है, तो ये वाला इसका रिफ्लेक्शन f इनवर्स x ही तो ट्रेस कर दिया, बात समझे बच्चों, प्रीटी इजी, ठीक है, रिमेंबर दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जैसे ये देखो एक एग्जांपल लेता हूं, साइन का ग्राफ, पहले तो ये याद रखो कि साइन इन्वर्टिबल होना जरूरी है, तो साइन इन्वर्टिबल होने के लिए याद आ रहा है कि कोडोमेन और डोमेन ये होना चाहिए, तभी साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर साइन, अगर ये लेता हूं मैं, तो साइन इनवर्स बेसिकली क्या बन जाएगा, माइनस वन टू वन एंड माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू विल बी इट्स रेंज, बट अभी अपन ये निकालने के लिए नहीं आया, अपन को क्या बनाना है इसका ग्राफ। तो अगर अपन को साइन का ग्राफ पता है तो अपन को किसका ग्राफ पता है, साइन इनवर्स, तो साइन का ग्राफ अच्छे से तमीज से बनाओ, तो माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू ही तो बनाना है, तो उसमें क्या ही बदतमीजी कर सकते हैं अपन, कितने बच्चों समझा, ये हो जाएगा साइन का ग्राफ इन द इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ओके। तो अगर ये साइन का ग्राफ है तो साइन इनवर्स का कैसा बन जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल्स टू एक्स, तो तुम्हें समझ आ रहा है पाई बाय टू कॉमा वन का रिफ्लेक्शन क्या बन चुका होगा, वन कॉमा पाई बाय टू, ओके, पाई बाय टू कॉमा वन हैज बिकम वन कॉमा पाई बाय टू, एंड माइनस पाई बाय टू माइनस वन वाई इक्वल्स टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रहा, तो कोऑर्डिनेट स्वैप हो जाते हैं, राइट। और ये देखो अगर ये ऐसा कॉनकेव डाउन बन रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन करवाने के बाद ये कॉनकेव अप टाइप बन जाएगा ऐसा, तो ऐसा ग्राफ बनता है बच्चों साइन इनवर्स का, ओके। तो ये हो गया बच्चों थोड़ा सा इनवर्स का ग्राफ आप कैसा बनता है, तो आई होप एवरीवन इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस थिंग, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, चलेगा? चलो थर्ड प्रॉपर्टी, तो पहले बुक्स क्या बोलते हैं वो बता देता हूं, और वो बुक्स थोड़ा कई कई बार इनकम्प्लीट चीजें लिख देते हैं। एक तो पहले ये बात समझो,
सबसे पहले ए पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है, इसका एक्चुअली क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं इसलिए बता रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ग्राफ्स ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट ईच अदर। एक सिंपल एग्जांपल लिख देता हूं, एफ एक्स है ई रेस टू एक्स, तो एफ इनवर्स क्या आया था, लॉन एक्स, चलेगा? तो तुम्हें समझ आ रहा है ई रेस टू एक्स और लॉग एक्स एकदम दूर दूर रहते हैं हमेशा, कोई कांटेक्ट नहीं उनके बीच में, ई रेस टू एक्स और लॉग एक्स कोई कांटेक्ट नहीं, यार ई रेस टू एक्स और लॉग यही चला जाता है, तो कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा कुछ नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, ये इनकम्प्लीट देते हैं बुक्स, तो इसका कंप्लीट वर्जन ध्यान से देखना, बट इफ दे इंटरसेक्ट, बट इफ दे इंटरसेक्ट, अगर कट कर रहे हैं देन क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, देन कई बुक्स पता है क्या बोलते थे कि सिंस दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर, तो अगर इफ दे आर इंटरसेक्टिंग दे आर ओनली इंटरसेक्टिंग ऑन बाइक वर्स टू एक्स, ये गलत होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि y equals to x पे ही मीट करेंगे, दैट इज नॉट एंटायरली ट्रू। ध्यान से देखो क्या हो सकता है, मैं तीन केसेस बनाता हूँ, तीनों केसेस को बहुत अच्छे से समझ लो, सिंपल से केसेस हैं। केस वन, तुम खुद वेरीफाई कर लो, अगर मान लो तुम्हारा एफ एक्स ये रहा, इफ लेट्स से दिस इज योर एफ एक्स, देखो मैं क्या बना रहा हूं, अगर ये तुम्हारा एफ एक्स है, हो सकता है ऐसा कोई फंक्शन, आई कैन ऑलवेज मेक अ फंक्शन लाइक दिस, पीस वाइज डेफिनेशन बना के बिल्कुल मैं कर सकता हूँ एफ एक्स, तो अगर ये वाइट वाला एफ एक्स है तो तुम खुद बताओ एफ इनवर्स एक्स क्या हो रहा है, अगर व्हाइट वाला एफ एक्स है तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो रहा है, समझ आ रहा है, ऐसा बन जाएगा सर, आपने बताया रिफ्लेक्शन होता है, तो व्हाइट वाले का रिफ्लेक्शन ये बन जाएगा, तो बोलो एफ एक्स ये है तो एफ इनवर्स एक्स ये है, तो मुझे बताओ कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, हाँ सर कर तो रहे हैं, बट इनके इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं, देयर इंटरसेक्शन पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन, देयर इंटरसेक्शन पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन y equals to x, बात समझे। चलो एक और केस बताता हूं, सेकेंड केस ध्यान से देखो, सिंपल सा है, सेकेंड केस भी एक्सप्लोर करते हैं अपन की, सर और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, क्या क्या हो सकता है, चलो देख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला ग्राफ है f का, मान लो ये एफ एक्स है, तो अब बताओ एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज, तो ये वाला एफ इनवर्स एक्स हो गया, तो मुझे बताओ अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं, अपेरेंटली जितना आपने बनाया सर उसके हिसाब से तो तीन इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, तो इसमें समझ आ रहा है क्या हो रहा है, देयर इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या क्या हो रहा है बच्चों, देयर इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या क्या हो रहा है, वन एट y इक्वल्स टू x एंड अदर टू नॉट एट y इक्वल्स टू x, चलेगा है ना, तो अभी भी वो जो मैंने बोला ना कि कई लोग ऐसे लिखते थे कि f और f इनवर्स हमेशा y इक्वल्स टू x पे मीट करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये देखो ये अच्छा मैं थोड़ा सा ऐड भी कर देता हूं इसमें एक पॉइंट, और वैसे केसेस बना देता हूं, फिर इन तीनों में डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। केस थ्री ध्यान से देखो, केस थ्री क्या बन रहा है, अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या बना रहा हूं, ये रहा तुम्हारा एफ एक्स, ठीक है, तो अब इसका रिफ्लेक्शन बनाओ, इसका रिफ्लेक्शन क्या बन रहा है ये ना, अब बताओ क्या हो रहा है, दे ओनली मीट एट y equals to x, तो ध्यान से देखो इन तीनों में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ये वाले ग्राफ में क्या था, अगर डिसकंटिन्यूअस है, बेसिकली इफ डिसकंटिन्यूअस एफ एक्स है, इफ f इज डिसकंटिन्यूअस देन You can see not necessary that एक भी point of y equals to x पे, ये वाला केस समझे कौन सा वाला है,
इफ एफ इज डिसकंटिन्यूअस, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक भी पॉइंट हो वाई कोस टू एक्स, एज यू कैन सी इफ एफ डिसकंटिन्यूअस नॉट नेसेसरी इवन ए सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट लाइज ऑन दे इंटरसेक्ट ऑन वाई कोस टू एक्स, ठीक है। इस वाले को क्या बोलेंगे बच्चों, एफ अगर डिक्रीजिंग है, एफ डिक्रीजिंग है, देन कितने बच्चों समझ आ रहा है, इसमें इट मे हैव इंटरसेक्शन पॉइंट्स अदर देन, बोलो, इट मे हैव इंटरसेक्शन पॉइंट्स अदर देन एट वाई इक्वल्स टू एक्स, चलेगा। और ये वाला कौन सा है, ये वाला केस ये है, अगर एफ इंक्रीजिंग भी है बच्चों, अगर एफ इंक्रीजिंग भी है देन दे ओनली मीट एट, अब बोल सकते हैं बच्चों खाली, देन दे ओनली मीट एट, अगर एफ आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दे ओनली मीट एट वाई इक्वल्स टू एक्स, चलेगा। ये खाली वाई इक्वल्स टू एक्स पे मीट करेंगे। इनफैक्ट इन दोनों केस में एक और ऐड कर सकता हूं कमेंट फर्स्ट एंड सेकंड में, इफ अल्फा कॉमा बीटा, मतलब अगर इनका एक सोल्यूशन है अल्फा कॉमा बीटा, अगर सोल्यूशन है, इफ अल्फा कॉमा बीटा सोल्यूशन से बेटर क्या लिखता हूं, इफ अल्फा कॉमा बीटा इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों, इफ अल्फा कॉमा बीटा इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये पक्का बोल सकते हो कि बीटा कॉमा अल्फा भी क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। जल्दी बताओ, अगर वाई इक्वल्स टू एक्स के अलावा एक इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, तो ये बीटा कॉमा अल्फा का मिरर इमेज भी हो गई होगा, क्या ये बातें समझ आती हैं, बोलो, इज दिस ओके? यस सर, है ना। तो जैसे इसका यूज कैसे करते हैं, वैसे केस थ्री का ही यूज आता है, मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको फील आएगा, जैसे केस थ्री की बात कर रहा हूं मैं, अगर मान लो कोई ऐसे बोलता है, कोई ये बोल रहा है सॉल्व इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स, सॉल्व समझ रहे हो, मतलब फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स, ये इक्वेशन है, उसने बोला वाई इक्वल्स टू एफ एक्स और वाई इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स, अगर इन दोनों को इंटरसेक्ट कराऊंगा तो कहां का इंटरसेक्ट करेंगे, विच इज बेसिकली सॉल्व द इक्वेशन। तो थर्ड केस में, सिंस वी नो इन केस थ्री, सिंस दे एनी वे मीट एट y इक्वल्स टू एक्स, बोलो ये एनी वे वाई इक्वल्स टू एक्स पे मीट करते ही हैं, तो कितने बच्चों चलेगा, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स जहां पे भी मीट कर रहे हैं, जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके, कितने बच्चों को चलेगा, जैसे ये बात समझो, ये तुम्हारा f इंक्रीजिंग है, मैं खाली केस टू की बात कर रहा हूं, तो ये तुम्हारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका इनवर्स वो भी इंक्रीजिंग आएगा, बट तुम्हें समझ आ रहा है, दे विल मीट ओनली एट y इक्वल्स टू x, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दीज टू ग्राफ्स क्या सॉल्व करना बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दीज टू ग्राफ्स, कितने बच्चों समझ आ रहा है, सिंस दे मीट एट y इक्वल्स टू x ओनली, इससे बेटर क्या होगा सॉल्व करना, सर बात तो वही हुई ना, अब ये दोनों यहां मीट कर रहे हैं, उससे बेटर है आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, बात तो वही हुई, कितने बच्चों चलेगा सॉल्व ये, है ना। तो इसको जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब काफी अच्छे से समझ आएगा, बट थर्ड केस के लिए बताए मैंने खाली, दिस वॉज ओनली फॉर थर्ड केस, कि सिंस एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स ओनली मीटेड वाई इक्वल्स टू एक्स, तो इससे बेटर है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स सॉल्व कर लो ना, वहीं पे एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स भी मीट करेंगे, है ना। आई होप सबको ये अच्छे से समझा पॉइंट, ठीक है। तो इसको वापिस से नोट से अच्छे से पढ़ लेना, मैंने सारा पॉसिबिलिटीज आपको बता दिया है, इस पे मैं क्वेश्चन भी देता हूँ, आई हैव कंसीडर्ड एवरी पॉसिबिलिटी एंड एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। तो इसमें से कॉन्सेप्चुअली कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज अपन आगे बढ़ सकते हैं, इसको नोट्स अच्छे से कॉपी कर लेना, बना लेना, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों, फोर्थ पॉइंट, और ये डिफरेंट है, इसको बात समझना क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर एफ एक्स कैसा दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इज सच दैट इट इज मिरर इमेज ऑफ इट सेल्फ अबाउट y इक्वल्स टू एक्स, मतलब समझा, अपन ने f का ये रहा फंक्शन, देखो ये रहा, तो अगर इसका आप रिफ्लेक्शन लोगे,
तो कितने बच्चों समझ रहे हैं सर, इसका रिफ्लेक्शन यही आ रहा है ना, थोड़ा समझ रहे हो, हैंडमेड डायग्राम छोड़ो, इसको वाई इक्वल्स टू एक्स के अबाउट रोटेट करो सर, यही बन गया। तो ये एफ है, तो ये एफ इनवर्स होना चाहिए, बट सर एफ इनवर्स एफ ही दिख रहा है। तो कितने बच्चों को समझा, अगर एफ का ग्राफ ऑलरेडी सिमेट्रिक अबाउट वाई इक्वल्स टू एक्स है, ऐसे फंक्शन हो सकते हैं ना जिनका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई इक्वल्स टू एक्स हो, देन क्या क्लेम कर सकते हैं बच्चों अपन, देन एफ एक्स इज एफ इनवर्स एक्स, मतलब एफ एक्स इज एफ इनवर्स एक्स, मतलब फंक्शन का इनवर्स वो खुद ही है, चलेगा, एफ एक्स इज एफ इनवर्स एक्स। और एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा इस केस में बच्चों, एक्स, क्योंकि यूजली एफ 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 इनवर्स एक्स होता है ना, बट एफ इनवर्स एफ ही है, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, बात चलेगा बच्चों, क्या ये बात समझ आई, एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब तुम कुछ सोच के देखो, एफ एक्स इज वन बाई एक्स, एफ एक्स इज वन बाई एक्स, तो मुझे सोच के बताओ एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालोगे, लेट एफ इनवर्स एक्स बी वाई, है ना, यही मेथड था, इसका मतलब है एक्स इज एफ ऑफ वाई, तो वो क्या मिल रहा है, एक्स इज एफ ऑफ वाई, तो क्या हो जाएगा सर, वन बाय वाई, और यहां से वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या बन रहा है बताओ सर, एफ इनवर्स एक्स वन बाय एक्स आया, अरे एफ इनवर्स एक्स एफ ही आ गया, तो ऐसा हो सकता है ना, फंक्शन ऐसे हैं जहां पे दिख रहा है हमें कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों सेम आए, और हमें पता भी है, वी ऑल्सो नो वाई इक्वल टू वन बाय एक्स का डायग्राम कैसा बनता है बच्चों, वाई इक्वल टू वन बाय एक्स, वाई इक्वल टू वन बाय एक्स याद आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जल्दी बताओ, तो क्या ये मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ है, दिख रहा है, तो एफ एक्स का फॉर्मूला ऑफ एफ इनवर्स का फॉर्मूला सेम ही होगा, इसको इससे कंफ्यूज मत कर लेना, यहाँ पे डिड आई मीन टू से कि एफ एक्स और एफ इनवर्स सेम है, नो आई वाज सॉल्विंग टू फंक्शंस, बट यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, अबे एफ और एफ इनवर्स सेम ही है, सॉल्व नहीं करना है, दे आर एग्जैक्टली सेम, ऑलवेज ट्रू, वहां पे तो एफ इनवर्स और एफ कहां कहां पे मीट कर रहे थे वो मांग रहा था मैं, यहाँ पे तो एफ इनवर्स और एफ हमेशा सेम होंगे, तो अगर कभी ये दे दिया जाए कि एफ इज मिरर इमेज अबाउट इटसेल्फ अबाउट वाई इक्वल्स टू एक्स, तो फॉर ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एफ विल बी इक्वल्स टू एक्स ओनली, और अगर एफ ऑफ एक्स हमेशा एक्स दिया हुआ है, इफ इट इज गिवन कि एफ ऑफ एफ एक्स एक्स ही आ रहा है, इसका मतलब एफ इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, वाइस वर्सा भी चलेगा। एंड लास्ट पॉइंट, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं बस, इसका प्रूफ थोड़ा इरिटेटिंग सा है, कंफ्यूजिंग सा है, तो अगर चाहिए हो तो प्रूफ कर सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस यू मस्ट रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, ये काम आ सकता है कभी भी, ठीक है, इसका मीनिंग तो समझ रहे हो क्या, इसका मीनिंग बड़ा देखने में गंदा है, वेरी अगली, आरएचएस क्या बोल रहा है, पहले आप जी ऑफ एफ एक्स कंपोजिशन निकालो, फिर ये कंपोजिशन का जो भी फॉर्मूला आया होगा उस फॉर्मूले का इनवर्स निकालो, है ना, तो पहले कंपोजिशन निकाला फिर उस कंपोजिशन का इनवर्स, तो दैट इज व्हाट इट मींस, जी सर्कल है पूरे का इनवर्स, ये चीज किसके बराबर होगी, ये वाला इनवर्स निकाल के जो भी फॉर्मूला आएगा वो किसके बराबर आएगा, पहले आप भाई लोग एफ इनवर्स एक्स का फॉर्मूला निकालो, जी इनवर्स एक्स का फॉर्मूला निकालो, फिर इन दोनों का कंपोजिशन, एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स जी सर्कल है पूरे का इनवर्स, ऐसा, तो ये इसके फॉर्मूले के बराबर आएगा, ठीक है, तो इसका प्रूफ थोड़ा वियर्ड सा है, तो प्रूफ मेरा करने का कोई इतना मन नहीं है, बट दिस थिंग इज रियली 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 यूजफुल, ये यूज आ सकता है, तो यूज दिस फॉर्मूला इफ यू वॉन्ट टू, ये फॉर्मूला यूज आ सकता है, आई रिक्वेस्ट, इसके कौन से प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट इसके सारे प्रॉपर्टीज काम के, अभी तक मैंने प्रॉपर्टीज में सारे इग्नोर करने के लिए बोला था, जैसे कंपोजिशन का प्रॉपर्टी यूजलेस था, बट इसके ऑल आर इम्पॉर्टेंट एंड यू नीड टू मेमोराइज देम, ठीक है, तो किसी को इसमें कुछ पूछना है प्रॉपर्टीज में से, एवरी प्रॉपर्टी इज यूजफुल, और इनवर्स इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो इस पर अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है, चलेगा, तो चलो मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूं इस पे, आप ट्राई करना, तो एफ एक्स इज 3x-2, अच्छा पहले एक बात करनी थी मुझे, मैं वो बात भी कर लेता हूं, एक बात बताओ, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है 1-1.5 आवर का, ओके,
वन एंड अ हाफ आवर या फिर वन आवर 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, फंक्शनल इक्वेशन. और थिंग इज मेरा 11 बजे से एक कवर अप लेक्चर और है और उसमें मैं एग्जैक्टली वही पढ़ाने वाला हूँ. तो क्या एक बात बताओ, आपका 11 बजे से कुछ और है क्या? क्या 11 बजे और कुछ लेक्चर है कि 11 बजे के बाद फ्री हो? इज देयर एनीथिंग? तो वुड इट बी सो बैड, क्योंकि देखो आज खत्म कर सकते हैं तो कर ही देते हैं, तो वुड इट बी सो बैड कि तुम उस लेक्चर में एक घंटे और बैठ जाओ, 11 से 12 तक खत्म हो जाएगा अपना, एक सब टॉपिक और बच रहा है. जैसा तुमको लगे, अगर चाहिए तो मैं लिंक तो भेज देता हूँ, अगर किसी को अगर बैठना है तो बैठ जाओ, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर कब होगा मुझे भी नहीं पता. और मैं सोच रहा हूँ कि फंक्शन आज खत्म कर ही दें, तो मैं लिंक भेज देता हूँ और नहीं तो मुझसे रिकॉर्डिंग मांग लेना, ठीक है? मैं आपको एनीवे ग्रुप पे लिंक भेज देता हूँ, 11 से 12 तक और बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, एक ही चीज बच रही है वो भी कर लो. क्योंकि मैंने उनकी बैच में भी सबसे लास्ट बस यही कराया था, उनकी बैच में सबसे लास्ट मैंने यही कराया था और यहीं पे स्टॉप किया था और मैंने यही 3 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है? तो आपको जैसा कंफर्ट हो वैसा आप कर सकते हैं. तो ये 3 क्वेश्चन दे देता हूं, तो ट्राई करना है तो अभी ट्राई कर लो, 11 बजे से मैं ये 3 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैं. यही 3 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, तो एक छोटा सा ब्रेक भी ले सकते हो, इट्स लाइक अ ब्रेक, और उसके बाद क्लास रिटेन कर लेते हैं अपन, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चन लिख लो, मतलब मैं पीडीएफ तभी ऐसे 2-4 मिनट में शेयर कर ही दूंगा, ट्राई करो और 11 से फिर से बैठ जाओ अगर पॉसिबल है तो. और मैं लिंक आपके ग्रुप पे भी पोस्ट कर देता हूँ लेक्चर, ठीक है? ये हो जाएगा fx, ठीक है? चलो तो आज के लिए इतना काफी है, नहीं तो और एक्सटेंड करूंगा लेक्चर तो एकदम ब्रेन डैमेज हो जाएगा, 2.5 घंटे बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट अपन ने एकदम इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिए. तो मैं अभी के अभी आपसे पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, नोट्स बनाना है बना लो, अगला वाला लेक्चर अटेंड करना है कर लो, बट फंक्शंस खत्म हो जाएगा, ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल. तो आपको और वेट नहीं करना पड़ेगा, बुकलेट कभी भी लगा सकते हो उसका, ठीक है? चलो तो मैं ये भेजता हूँ, इसका रिकॉर्डिंग भी और उसका भी लिंक भेज देता हूँ आपको. बाय.